ീതമപീതകൃത്യം വൈപായനവിരഹതാതരാജുഭാവം പുത്രീതി തന്മയതയാകരവോദുനീതും സ്തം സർവഭൂതഹൃദയം മുനിമാന തുസ്മി നാരായണ നമസ്കൃത നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ബോല ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ബോല ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ സർവപ്രഥമ മേരെ ഗുരുപാദ പത്മ നിത്യലീലാ പ്രവിഷ്ണ വിഷ്ണുപാദ അഷ്ടോത്തര ശതശ്രീ ശ്രീ ശ്രീമാത് ഭക്തി ശ്രീരൂപ് സിദ്ധാന്തി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ചരണ കമല മേ അനന്ത കോടി സാഷ്ടാംഗ ദണ്ഡവത് പ്രണാം കർത്താം തത്പശ്ചാത് മേരെ ശിക്ഷാ ഗുരുപാദ പത്മ നിത്യലീലാ പ്രവിഷ്ണ വിഷ്ണുപാദ അഷ്ടോത്തര ശതശ്രീ ശ്രീ ശ്രീമാത് ഭക്തി വേദാന്ത ശ്രീല നാരായണ ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ജി ചരണ സരോജ മേ ശ്രദ്ധാ പുഷ്പാഞ്ജലി അർപ്പണ കർത്താ ഉപസ്ഥിത് വൈഷ്ണവ വൈഷ്ണവി മാതാ പിതാ ഭായി ബഹൻ സഭിക്കു മേ യഥായോഗ്യ പ്രണാം കർത്താ ഹരേ കൃഷ്ണ ഗതകല്യ ഹം ലോക് ശ്രവണ കർ രഹേ ഥേ സ്വർണകാദി ഋഷിയോ നെ സുത ഗോസ്വാമി കോ ഛേ പ്രശ്ന കീ ഥീ ഛേ പ്രശ്ന കാ ജോ ദൂസരി പ്രശ്ന ഥീ കലിയുഗ് മേ ഭഗവാൻ കോ പാനേ കാ സബ്സേ സരള ഉപായ കിയാ ഹൈ ജിസ്കാ ഉത്തര മേ ശ്രീ സുത ഗോസ്വാമി കഹതേ ഹൈ ബല ഏതത് നിർദിഗ്ധമാനാനാം ഇച്ഛതാം അകൂത ഭയം യോഗിനാം നിപതിർമിത ഹരേ നാമാന കീർത്തനം ബലെ കലിയുഗ് മേ ഭഗവാൻ കോ പാനേ കാ സബ്സേ സരള ഉപായ ഹൈ ഭഗവാൻ കീ നാം കീർത്തന കരോ കലിയുഗ് മേ ജ്യാദാ പരിശ്രമ കീ കോഈ ജരൂരത് നഹീ ഹാഥോ മേ ജോ കുഛ് കരോ ഠാകുര ജി കോ സേവാ മാന കർ കരോ ഔർ മുഹ് മേ നാം ഹാഥോ മേ കാം ഔർ മുഹ് മേ ഠാകുര ജി കാ നാം बोले एक समय बड़े बड़े साधु लोग बैठे हुए थे। एक संत ने प्रश्न किया, बोले युग चार ही है, सत्य त्रेतया द्वापर और कली। तो उन्होंने प्रश्न किया, बताओ तो ये चार ही युग में सबसे बढ़िया युग क्या है। एक साधु खड़े होकर के बोला, सत्य युग सबसे बढ़िया। बोले क्योंकि सत्य युग में धर्म का जो चार चरण है वो पूर्ण रूप में निवास करता था। कोई झूठ बेईमानी है उल्टा पुल्टा कोई काम नहीं करते थे। इसलिए सत्य युग को बताया कृत युग। कृत मतलब है सबके जीवन कृत कृत धन्य धन्य होता था। गलत रास्ता पर कोई नहीं चलते थे। बोले जगत में सबसे बढ़िया युग सत्य युग। किसने पूछा और कोई किसको बोलना है। एक ने कहा, भैया तृतीया युग सबसे बढ़िया। बोले क्यों। हम कहते ना राम राज्य। राम राज्य में कहते आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भौतिक किसी तरह का कोई दुख कष्ट नहीं। भगवान राम पशु पक्षियों का भी भाषा समझते थे। जब राम दरबार लगता था वहां पर पशु पक्षी भी आकर के अपना दुख की बात कहते थे और भगवान राम उनकी बात सुनते थे। इसलिए कोई भी तृतीया युग में कोई दुख कष्ट नहीं था। इसलिए हम कहते हैं राम राज्य। राम राज्य में सबके सब सुखी प्रसन्न रहते थे। साधु ने फिर प्रश्न की, बोले भैया और कोई युग बढ़िया बताओ। कोई किसने कहा द्वापर युग सबसे बढ़िया। बोले क्यों। बोले जिसमें पूर्ण ब्रह्म कृष्ण आए। क्योंकि भगवान के बहुत सारे अवतार है लेकिन पूर्ण अवतार कौन है। बोले भगवान कृष्ण है। जिसको ब्रह्मा कहते हैं, अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप व्रजो गोसाम ज
जन्मित्र परमानंदन पूर्ण ब्रह्म सनातनम। इसलिए कृष्ण कौन है? पर ये पूर्ण है, ये ब्रह्म है, कभी ये सनातन श्री कृष्ण चंद्र। इसलिए कृष्ण रहते समय धर्म भी वो चार चरण में धर्म का निवास, क्योंकि कृष्ण पूर्ण ब्रह्म थे। बोले भैया द्वापर युग सबसे बढ़िया युग। पूछा भैया और भी उसको बोलना है? एक साधु खड़ा हो गया, बोले भैया मैं तो सोचता हूँ कलयुग सबसे बढ़िया युग। बोले क्यों? कहते कलयुग मतलब जहाँ कलह झगड़ा। बोले प्राप्ति कलयुग घोरा नरा पुण्य विवर्जिता। जब कलयुग आएगा कोई व्यक्ति पुण्य नाम का कोई काम नहीं करेगा, सब पाप कर्म में लिप्त हो जाएंगे। बोले दुराचार व्रता सर्वे सत्यवार का ब्रह्म, सबके सब दुराचारी हो जाएंगे, कोई सच नहीं बोलेगा, सबके सब झूठ बोलेंगे। दुराचार व्रते सर्व सत्यवार का ब्रह्म। और कलयुग आने पर पवित्रता रहेगी नहीं है। कद घर घर में लड़ाई, बहू बहू में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, पड़ोसी में लड़ाई, देश देश में लड़ाई, पार्टी पार्टी में लड़ाई। इसलिए इसको कलयुग कहते हैं। इसलिए कहते भैया ये कलयुग में लड़ाई झगड़ा छोड़कर कुछ है ही नहीं, फिर तुमने कैसे बता दिया कि कलयुग सबसे बढ़िया है? बोले इसलिए ये कलयुग सबसे बढ़िया युग है, दूसरे दूसरे युग में भगवान को पाने का बड़ा कठिन मार्ग था। आप सुने होंगे हिरण्यकश्यप ने 60,000 साल तपस्या की, वाल्मीकि इतने तपस्या की सारा शरीर दीमक चाट गया, बिना खाए पिए एक प्यार में खड़े होकर के चारों तरफ में आग जला करके हाथ को ऊंचा करके कठोर परिश्रम करते थे। तृतीया युग में भी रोज रोज यज्ञ कर, द्वापर युग में भी भगवत प्राप्ति की, वहां पर भी रोज अर्चन पूजा सेवा बड़ा कठिन मार्ग था। लेकिन कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी केवल जिह्वा हिलने पर। इसलिए शास्त्र में बताया बोले सुलभम भगवत नाम। दूसरे दूसरे युग में जो साधन था बड़ा परिश्रम है, लेकिन कलयुग का जो साधन है ना इसमें कोई परिश्रम नहीं, इसमें आनंद है, आनंद है। तृतीया युग में यज्ञ करो, एक यज्ञ में कितने पैसा खर्च हो जाएगा, लेकिन कलयुग में हरिनाम करने के लिए कोई पैसा की जरूरत है? कोई पैसा की जरूरत नहीं। बोले सुलभम भगवत नामम जिह्वा च वशवर्तिनी। अरे जो जिह्वा है हमारी अधिनि में, ऐसे नहीं हमारे अधिनि में जिह्वा नहीं, तो तथा भी नरकम जानती। लेकिन कहते हैं भैया बड़ा आश्चर्य की बात है, भगवान इतने सरल उपाय रख दिया, इतने परिश्रम करने का जरूरत नहीं, केवल जिह्वा थोड़ी सी हिलने पर प्रभु का नाम होता है। लेकिन आश्चर्य की बात तभी लोग नर्क जाते हैं, इससे बढ़िया बड़ा आश्चर्य क्या हो सकती है। इसलिए ये जो जिस कलयुग में हम लोग आए हैं, बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि वे भी इसी कलयुग में जन्म लेकर के महाप्रभु की धारा में आकर के ये भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं। इसलिए एक बार हाथ उठा कर बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वम् यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते। बोले वो एक ही ब्रह्म है, वो अद्वैत ज्ञान पर तो एक ही ब्रह्म है, लेकिन भगवान तो एक है, लेकिन उनके तीन भक्त हैं, एक ज्ञानी है, एक कर्मी है और एक भक्त है। तो यहाँ प्रश्न होता है, जो ज्ञानी उनको ब्रह्म मान करके निराकार निर्विशेष मान करके उनको भक्ति करता है, जो योगी कतियो एक अंगुष्ट परिमाण पुरुष मान करके
अपना हृदय में उनको ध्यान करता है। लेकिन एक जो भक्त है वही भगवान को, उनको भगवान रूप में, कृष्ण रूप में, राम रूप में, नारायण रूप में उनको आराधना करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होता है, बोले भैया इतने सब के सब एक है, ध्यान देकर सुनो, अच्छी बात को सुन लो, याद कर लो। कभी कभी हमारे भारत में तो बड़े कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बोले भैया भक्ति कर तो किसको भक्ति करे, कोई कहते हो भगवान तो निराकार है, निर्विशेष है, उनका नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, और लास्ट में क्या करो, न रहेगा बांस न गजी की बंसुरी। जब तक ये दुनिया में जन्म ग्रहण करोगे तब तक ये संसार में दुख और कष्ट, जन्म मृत्यु दुख कष्ट पाओ, इसलिए क्या करो, ये ज्योति को, ये परमात्मा कहते ये जीव को ये ब्रह्म में जाकर के लीन करा दो, बांस न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसलिए ब्रह्म में लेकर के सत्ता को लीन कर दो। कहते ये एक रास्ता है, इसलिए कोई कोई कहते नहीं वो परमात्मा, उसको एक अंगुष्ठ परिमाण रूप में हृदय में ध्यान करो। कोई कोई कहते नहीं भगवान कृष्ण को, राम को, नारायण को पूजा करो। इसलिए कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया भक्ति करते हैं किसको भक्ति करें, हम भक्ति करें किसी को। तब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु एक सुंदर कथा को माध्यम में समझाए, बोले सनातन गोस्वामी को कहते हैं, बोले एक समय, जितने में कथा बोलता हूँ सब याद कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं आप लोग भी एक एक भगवान की कथा सुना, एक एक वक्ता बनो, ऐसे नहीं कहीं कथा सुने और घर में चले गए। हमारे ग्रेटर नोएडा में एक विशाखा दीदी है, आप सोच नहीं सकते, वो अपना घर में क्लास करती है और क्लास करते करते भी इतनी अच्छी कथा सुनाती है, उनको घर में आस पास में भक्त लोग आते हैं, उनको कथा सुनाती है पूरा, उन्होंने बढ़िया ग्रुप बनाया और ऐसे ऐसे पक्के भक्त बनाए जो एक एक दिन में एक एक लाख हरिनाम करते हैं, उनको इतने पक्के उसने बनाए हैं, वो एक एक व्यक्ति एक एक लाख हरिनाम करते हैं। बोले जब तक एक लाख हरिनाम नहीं करोगे तुम्हें दिखाई नहीं मिलेगी, इसलिए आप लोग भी ये सारी कथा को सुनो, कोशिश करना अपना घर में भी अपना अड़ोसी पड़ोसियों को बुला करके उनको भी कथा सुना। अब देखो जब धीरे 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 कथा सुनाना शुरू कर दोगे ना, आपको बोलना धीरे धीरे तभी प्रैक्टिस होगा, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं होगा। आप बहुत जानते हो, आप मत कहा करो, प्रैक्टिस होगा। जैसे नवीन प्रभु अभी बोलते बोलते हुए पत्ता बन गए, सबसे कथा सुनाते, इसलिए बोलना सीखनी चाहिए। दुनिया की सारी बात को तो बोलते हैं, इधर उधर बात नहीं बोल करें, ठाकुर जी की बात बोलो, भगवान की बात बोलो, ठीक है ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सिखा देते हैं, बोले एक दिन कोई एक बहुत गरीब व्यक्ति था, दर दर भटक रहा था, एक सर्वज्ञ देखा, सर्वज्ञ मतलब आपका मुंह को देख करके जो सारे बात को बताते, तुम कहाँ के रहने वाले, तुम्हारे घर में कहाँ कितने पैसा रखा हुआ है, तुम्हारी परिवार की क्या स्थिति है, केवल आप मुंह को देख करके सारी बात को बताते। उसने वो व्यक्ति को देखा सर्वज्ञ, उसको बुलाया, भैया इधर आओ, बोले तू ये दर दर क्यों भटक रहे हो, बोले हम तो बड़े दुखी, घर में खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं। उसने कहा देखो तेरे जो पिताजी है ना मेरे दोस्त, तुम्हारे घर में चार ही दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, तुम्हारे घर में वो माल पड़ा हुआ है, देख बेटा दक्षिण दिशा का मिट्टी मत खोदना, अगर को खोदोगे ना वहां से एक अजगर सर्प निकलेगा, वो सीधा तुमको निकल जाएगा। देखो तुम पश्चिम दिशा का मिट्टी मत खोदना, वहां पर ततैया रहते हैं, अगर ततैया निकले एक तो तुम काट कर खाकर खत्म कर देंगे। देखो उत्तर दिशा का मिट्टी मत खोदना, उधर एक जक्ष रहता है, अगर वो राक्षस निकल गया, जक्ष भूत प्रेत निकलेगा, फिर तक जान है तेरे खत्म कर देगा। लेकिन वो जो रत्न की जो झड़ी है वो सोने की कलसी में ये पूर्व दिशा में रखा हुआ है, ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे ना वो सोने की कलसी निकलेगी, और एक एक मोहर को बेचोगे ना अरब खरब रुपया होगा, माला माल हो जाओगी। उसने सोचा भैया मेरे पिताजी इतने पैसा रख करके घर में गए, हमें पता ही नहीं, हमें पता ही नहीं इतना पैसा घर में,
तो उसने सचमुच से आया पूर्व दिशा का मिट्टी थोड़ी सी खोदा ना सोने की कल से निकली उसमें ऐसे ऐसे हीरे जवाहरात जो एक एक को बेचा करोड़ करोड़ रुपया हुआ बस माला माल हो गया। चैतन्य महाप्रभु कहते भैया इसका मतलब क्या समझो? बोले दक्षिण दिशा का मिट्टी मत खोदो। ये दक्षिण दिशा किया बोले ये ज्ञान मार्ग है, खबरदार ज्ञान मार्ग में फंसना नहीं। जो ज्ञानी लोग हैं वो कहते वो भगवान निराकार निर्विशेष है, उनको रूप में कुछ नहीं। और क्या करो, ये आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो, इनका ये फिलोसफी है। लेकिन भक्त लोग कभी लीन होना नहीं चाहते, भक्त लोग चाहते नहीं। भगवान आनंद स्वरूप है, भगवान रस स्वरूप है, भगवान प्रेम स्वरूप है, वो आनंदमय ब्रह्म, वो रस बरिस रसम जबाया लब्धानंद भगवती, भगवान आनंद रस स्वरूप है। हम उनकी आंसर, हम उनकी बच्चे हैं। अगर उनकी भक्ति करेंगे तो वो भक्ति रस में हमारी अधिकार है। पिताजी की संपत्ति पुत्र का अधिकार, जैसे हनुमत लाल जी क्या राम से मिल गए कि राम की सेवा करते हैं, क्या मीरा प्रभु से मिल गए, ना गोपियां भगवान से मिल गई, ना सूरदास जी भगवान से लीन हो गए, कोई लीन नहीं दे गई है। अलग रहोगे तभी उसको आस्वादन कर सकते हैं। जैसे समझो एक चिट्ठी ने गुड़ खाने के लिए लिया, वो गुड़ को कब तक आस्वादन करेगा, जब तक उसको अलग रहेगा। अगर गुड़ खाने के लिए गया, अगर गुड़ में ही लपट गया, फिर वो गुड़ का रस ले सकता है, वो ले नहीं सकता है। उसी तरह तभी हम भगवान के प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं जब भगवान से अलग रहेंगे। जैसे श्री हनुमत लाल जी, अगर राम को कहीं जाना हो हनुमान जी क्या करते हैं, कंधे पर बैठा करके प्रभु ले चलते हैं। अगर प्रभु राम कहीं बैठेंगे अपना पूंछ से सुंदर छतरी बना देते हैं, छतरी बना देते हैं, हैं? जब प्रभु राम विश्राम करते हैं हनुमान जी उनकी चरण की सेवा करते हैं, उनकी चरण की सेवा करते हैं। अगर अलग रहोगे तो फिर प्रभु प्रेम का आस्वादन कर सकते हो, अगर मिल जाओगे तो भैया आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए मुक्ति को बताया कि क्या है, ये एक अजगर सर्प जैसे निगल जाती है, ये मुक्ति भी जीव पर निगल जाती है, फिर प्रभु का प्रेम रस को आस्वादन नहीं कर सकते। इसलिए उधर फंसना नहीं। बोले देखो पश्चिम दिशा का अगर हम मिट्टी खोदोगे वहां तद्दया रहते हैं। बोले वो तद्दया किया, बोले कर्म मार्ग, बोले कर्म मार्ग में नहीं फंसना। बोले क्यों, हम संसार में क्यों भटक रहे हैं, इसी जीवन में जो कर्म करते हैं फिर ये कर्म को लेकर दूसरे जीवन में जाते हैं, दूसरे जीवन में जो कर्म करते हैं फिर तीसरे जन्म में जाते हैं, तीसरे जन्म में जो कर्म करेंगे फिर चौथा जीवन में। ऐसे ही हम 84 लाख जन्म भटक रहे हैं। और जगत में आओ, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पैसा से दुखी, कोई दोस्त से दुखी, कोई काम से दुखी, पर संसार में आओ तो दुखी दुख करोगे। इसलिए भैया कर्म चक्र में मत फंसा करो, नहीं तो भटकते रहोगे। कहते उत्तर दिशा में मत जाओ, वो क्या है, योग मार्ग है। भैया योग मार्ग में मत फंसा करो, उधर भी जाओगे वो भी एक तरह का मुक्ति है। लेकिन किधर जाओ, बोले पूर्व दिशा में जाओ। पूर्व दिशा मतलब भगवान की भक्ति मार्ग, भगवान की प्रेम की मार्ग। कहते वहीं पर ये माल रखा हुआ है, है? थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे मतलब क्या, बोले भक्ति में ज्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं ना पार्टी में चलो, कहीं अगर पार्टी होना पहले तैयारी रहते हैं। बोले क्यों, बोले पार्टी में तीन काम होता है, ध्यान सीटी और सिंह, एक यही तीन चीज होती है ना, नाचो गाओ और उठाओ, पार्टी में तो यही तीन चीज होती है ना। बोले भैया बीच बीच में पार्टी क्यों करते, रोज रोज पार्टी बनाओ ना, खाना है ना भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया प्रसाद बनाओ, पिज्जा पास्ता शाही पनीर मटर पनीर बनाओ, रोज प्रभु का भोग लगा, रोज खाओ पार्टी करो, नाचना है ना, इच्छा करता है ना भगवान का कीर्तन में रोज नाचो जैसे हम यहाँ नाचते हैं, गाना है ना, उल्टा पुल्टा फिल्म का पिक्चर नहीं गा कर क्या करो, ठाकुर का भजन कर गाओ, ठाकुर जी की भजन का रोज ही पार्टी बनाओ, हमारे मंदिर में जाकर देखो रोज ही पार्टी होती है, नाचना गाना खाना रोज ही पार्टी होती है। मतलब भक्ति मार्ग बड़ा सरल मार्ग है,
भक्ति मार्ग बड़ा सरल मार्ग है, इसमें कोई परिश्रम के नहीं, थोड़ी सी परिश्रम करने पर है तो प्रभु का प्रेम रूपी रत्न निकलेगा और वो प्रेम धन को पाओगे ना, तुम्हारे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए अब लोग कभी ये नहीं सुने होंगे ज्ञानी का भगवान, आपने सुना कभी ज्ञानी का भगवान? कोई कहते हैं कर्मी का भगवान, कोई सुना है? कोई कहते हैं योगी का भगवान, किसके भगवान है? आप लोग बोलो किसका भगवान है? भक्त का भगवान है, भगवान और किसी के नहीं। इसलिए कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं उद्धव ना साथ है तमाम योगम, कहते योग मेरे को कंट्रोल नहीं कर सकता है, कर्म के द्वारा मैं कंट्रोल नहीं हो सकता हूँ, ज्ञानी को द्वारा मेरे को कोई वशीभूत नहीं कर सकते हैं, जथा भक्ति मम पिता, ये भक्ति जैसे मेरे को वशीभूत करता है और कोई भी मेरे को वशीभूत नहीं कर सकता है। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं सबसे ऊंचे प्रेम सगा, तो सूरदास जी कहते हैं जगत में बहुत बड़े बड़े बंधन है लेकिन सबसे बड़ा बंधन क्या है, बोले सबसे ऊंची प्रेम सगा, जो प्रेम का बंधन है ये सबसे बड़ा बंधन है। तो वह एक एक उदाहरण देकर कहते हैं बोले प्रेम के बस और जूना रथ आपको भूल गए ठाकुरारी, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। महाभारत युद्ध में कृष्ण ने कहा देखो मैं युद्ध बुद्ध नहीं करूंगा, मैं तो केवल एक सारथी बन सकता हूँ, युद्ध बुद्ध नहीं करूंगा। इतने में अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे को तो एक सारथी की जरूरत है और किसी चीज की मेरे को जरूरत नहीं, एक अच्छा सारथी होनी चाहिए जो हमें सदमार्ग में दिखाया करे। और भगवान कहा भगवान हो करके अर्जुन का रथ हमको और भूल गए ठाकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बोले प्रेम के बसो भगवान क्या किया, बोले सबरी के झूठे बैर को खाए। जब भगवान सबरी के पास में पहुंचे पहले खा रही थी फिर प्रभु को दे रहे हैं, भगवान ने कहा सबरी मेरे को वैकुंठ में मेरे अनंत करोड़ लक्ष्मियां रोज रोज छापन भोग छत्तीस व्यंजन भोग लगाते हैं लेकिन आज तेरे झूठे फेरे में जो आनंद आया ना, बोले बहुविध स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बोले बाप तुम्हारे फेर में झूठे फेर में क्या स्वाद है क्या आनंद है, वैकुंठ में छापन छत्तीस व्यंजन में भी इतने आनंद नहीं, बोले प्रेम के बस। और उन्होंने क्या किया, बोले दुर्योधन की मेवा त्यागे सात विदुर घर खाए, ठाकुर जी दुर्योधन का छापान भोग छत्तीस व्यंजन को त्याग दी, ठाकुर जी विदुर जी के घर में गए, विदुरानी बोली प्रभु मेरे घर में ठाकुर जी भगवान को बैठा करके केले का छिलका तक खिला रही थी और केले फेंकते जा रही थी, इतने में श्री विदुर जी आ गए, बोले पागली क्या कर रहे हो भगवान को केले का छिलका खिला रहे हो, वो तो प्रेम में विभोर होकर खिला रही थी, उसको तो बुद्ध नहीं था। लेकिन जब उन्होंने केला खिलाना शुरू की कृष्ण ने कहा विदुर जी मैं केला भी नहीं खाता हूँ केले का छिलका भी नहीं खाता हूँ, मैं तो प्रेम ही खाता हूँ, पहले केले का छिलका में जो स्वाद आ रहा था वो केले में वो स्वाद नहीं आ रहा है। इसलिए भगवान प्रेम के वशीभूत होकर क्या नहीं किया ठाकुर जी, और कहते हैं भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के छांद के ऊपर नाच रहे थे, गोपिया कहती थी कन्हैया तेरे को मक्खन पिलाऊंगी तेरे को मैं छांद पिलाऊंगी थोड़े से नाच करके दिखाओगे, कन्हैया ठुमक ठुमक करके नाचना शुरू कर देते, कृष्ण नाचते थे गोपियों ने नाच नचाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान प्रेम में वशीभूत होकर के कहते दुर्योधन के कोई एक सेवक था जिसका नाम था हरनाई, उसका रोज काम था दुर्योधन को तेल मालिश करना उसको स्नान कराना खौर काम करना, लेकिन उधर बड़ा संत से भी कोई अगर साधु आ जाए बड़ी साधु सेवा करता था, और जिस समय दुर्योधन की सेवा करने के लिए जाएगा ठीक उसी समय में कुछ घर में साधु लोग आ गए, अभी तो दुविधा में पड़े गए अभी मुझे क्या करनी चाहिए, क्योंकि संतों का हृदय में ठाकुर का निवास है, भगवान खुद कहते हैं
अगर मुझे प्रसन्न करना चाहते हो मेरे भक्तों को प्रसन्न कर दो, मैं अपने आप खुश हो जाता हूँ। क्यों? संतों के हृदय में ही मैं निवास करता हूँ। अभी वो तो सोचने लग गया, अभी क्या करने चाहिए, सोचा ये दुष्टों का तो सेवा करता हूँ, लेकिन संतों की सेवा बड़े भाग्य से मिलता है। आज जो कुछ हो जाएगा हम संत सेवा करेंगे। उन्होंने संतों के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और संतों को खाना खिलाया। जब संत लोग चले गए, बड़े डरते हुए वो आया। क्यों? दुर्योधन दुष्ट है, हो सकता है नौकरी से छीन लेगा, नहीं तो जेल में बंद कर सकता, नहीं तो मृत्यु दंड दे सकता है। जब हरनाई संतों की सेवा कर रहा था, अभी कृष्ण चिंता में पड़े गए। बोले भैया ये तो मेरे भक्त सेवा कर रहा है, भक्तों के हृदय में तो मैं निवास करता हूँ। कृष्ण हरनाई का रूप धारण कर लिया और आ गए दुर्योधन के घर में और उन्होंने दुर्योधन के चरण में तेल उनको मालिश करने लगे। भगवान का प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, जब भगवान का हाथ स्पर्श हुआ, इतने में दुर्योधन का तो रोम खिल उठा, क्योंकि ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। दुर्योधन ने कहा, भैया तेरे हाथ में कोई जादू है ना क्या? तू शरीर को स्पर्श करते ही मेरे रोम रोम खिल रहा है, आंखों से आंसुओं की झरी बह रही है, हृदय में आनंद में गदगद हो रहा है। क्यों? वो आनंद कंद स्वयं भगवान थे। इतने प्रसन्न हो गया दुर्योधन, बोल भैया जीवन में इतने आनंद मुझे कभी नहीं मिले। उसकी गले में एक हार थी, उसने ये हार को निकाल कर उन्होंने हरनाई की गला में पहना दिया। लेकिन पहनाया तो हरनाई की गले में, लेकिन वो हार आ गया, पहनाया वो कृष्ण को गले में, लेकिन वो हार अपने आप हरनाई की गला में आ गई। हरनाई बड़े देर से गई, बोले हो सकता है नौकरी से निकाल देगा, नहीं तो दंड देगा। जाकर के दुर्योधन से बोले देखो आज घर में कुछ साधु लोग आ गए थे, इसलिए मैंने टाइम से नहीं आ पाया, मेरे अपराध को माफ कर दो। बोले क्यों? आज तुमने इतने सेवा की, जीवन में इतना आनंद नहीं आया, आज जीवन में हमें जितने आनंद आए। बोले नहीं, मैं टाइम से नहीं आ पाया, घर में कुछ साधु लोग आ गए थे। लेकिन उसकी गल में पड़ा हुआ हार, बोले ओ तेरे को मैंने आज इतने कीमती हार दे दिया ना, इसलिए अभिमान तेरा आ गया, तेरी अभिमान आ गई। उसने किया कि वो हार को पकड़े और छीन लिए। हरनाई ने कहा, भैया मेरे गले में ये हार कहाँ से आ गई? मेरे गले में तो हार भार कुछ थी नहीं, वो भी संत है, वो साधु है। भले आप वो समझ गए, भैया आज मैंने ये संतों की सेवा की ना, ठाकुर जी मेरे रूप धारण करते हुए इसको पास में आए और इसकी सेवा की, इसलिए ये कह रहा है आज जितने आनंद मुझे मिला जितने भी कभी ऐसे आनंद हमें मिले नहीं। तब उन्होंने तब से उन्होंने उसकी नौकरी छोड़ दी। बोले ये दुष्ट की वजह से आज मेरे ठाकुर जी को इनकी सेवा की, दुष्ट की सेवा करना पड़ गया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। इसलिए श्री सूरदास जी कहते हैं, बोले आप बने हर नाई सबसे ऊंची प्रेम सदाई, केवल भगवान प्रेम में ही बसीभूत होते हैं। इसलिए हमें ज्ञान मार्ग में नहीं जानी चाहिए, कर्म मार्ग में नहीं जानी चाहिए, योग मार्ग में नहीं जानी चाहिए, हमें प्रभु की भक्ति मार्ग में ही हमें चलनी चाहिए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जोर से कर लगा, बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अद्भुतान अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय तपवाणी जुगी जुगी। भगवान इसी जगत में युग युग में अवतीर्ण होकर के जब जब अधर्म बढ़ने लग जाए, धर्म की हानि होने लगती है, भगवान अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करते हैं और संतों को प्रभु पालन करते हैं। इसलिए भागवत में यहाँ पर 24 अवतार की कथा है। भगवान का सबसे पहला अवतार चतुष्ण रूप में आए। भगवान की 6 तरह का अवतार है,
मन्नाकर अवतार, सत्यावेश अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, पुरुषा अवतार, ऐसे भगवान की छह अवतार है। इसलिए पहला अवतार ठाकुर जी ये चतुष्सन रूप में आए। ये चतुष्सन को जब ब्रह्मा जी सृष्टि की, बोले भैया भगवान का आदेश संसार का क्रम बढ़ा, बोले भैया ये घर गृहस्थ में हम फंसना नहीं चाहते, घर गृहस्थ बड़ा दुखमय है। बोले क्या भगवान का आदेश है घर गृहस्थ बढ़ाओ, अब तुम कह रहे हो घर गृहस्थ में फंसेगे नहीं, बोले फंसोगे नहीं, बोले नहीं, बोले घर गृहस्थ नहीं करोगे ना, जैसे जन्मों में ना 5 साल उम्र में जिंदगी भर ऐसे रहो, अभिशाप दे दिए। बोले ये अभिशाप ये वरदान है। बोले क्यों? बोले घर का सारे बोझ जिसको ऊपर, छोटे ना बड़े को ऊपर, ये बड़े को ऊपर में सारे बोझ है। बच्चे तो मस्ती कर खेलते कूदते हैं, इनकी कोई चिंता नहीं। बोले बढ़िया हो गया, ये अभिशाप नहीं ये वरदान है। और ये चतुष्सन का काम क्या है? बोले कृष्ण कथा मात्र का जीवन, इनकी कृष्ण कथा ही इनका जीवन है। जैसे अभी हम तक श्रवण कर रहे थे पद्म पुराण में, ये चतुष्सन ने ही कथा सुनाई, चतुष्सन ने कथा सुनाई। इसलिए कहीं अगर कथा सुनाने के लिए मिले बस कथा सुनाना शुरू कर देंगे, अगर कोई नहीं मिले एक भैया तो व्यास गद्दी पर बैठ जाएगा, तीनों भैया बैठ जाएंगे बस कथा सुनाना शुरू कर देंगे। इसलिए कहते हैं सूरज नहीं ये काल है। बोले आयु हर दिवै पुंसान, उद्यन अस्तन च जन सौ, तस्तरीते जम खेणम नीत उत्तम श्लोक वाताया। कहते जो सूरज है वो सूरज नहीं ये काल है, ये हमारे सारे परमायु को धीरे 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 खत्म कर रहे हैं। हम कहते हैं ना हम बड़े हो रहे हैं, बोले भैया जगत में कोई बड़े नहीं हो रहे हैं, जगत में सबके सब छोटे हो रहे हैं, जगत में सबके सब छोटे हो रहे हैं, कोई बड़े नहीं हो रहे हैं। जैसे हम 30 साल के हो गए, हम क्या 30 साल के हो गए ना, 30 साल हमारी खत्म हो गई, 30 साल हमारी चली गई, हम कोई बड़े नहीं, सबके सब छोटे हो रहे हैं। बोले ये सबका का परमायु का काल हरण करता है, लेकिन एक व्यक्ति का परमायु काल हरण नहीं कर पाता। बोले किसके? बोले तस्वीते जम क्षण मुंडितम, जितने समय हम भगवान की भजन में, भगवान की भक्ति में, भगवान की कथा में हम जितने समय लगा देंगे, ये काल का काल भगवान है, इनके ऊपर में काल का कोई प्रकोप नहीं पड़ता है। इसलिए ये चारों भाई हर समय ये 5 साल उम्र से कभी ज्यादा ये होते ही नहीं। भगवान की जो दूसरा अवतार, भगवान बराह रूप में आए। बल जिस समय श्री मनु महाराज जी ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाना चाह रहे थे, बोले उन्होंने कल पृथ्वी है ही नहीं तो सृष्टि करे कहां पर, क्योंकि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले गया था। इतने में ब्रह्मा जी ने छींके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे एक प्राणी सृष्टि हुआ, और देखते 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 उसने विशाल रूप धारण किया। बल भगवान श्री वराह रूप में प्रकट हुए और उन्हें पानी में छलांग लगाई और पृथ्वी को ला कर उन्होंने अपना धुरी पर स्थापन की। फिर ये सृष्टि का क्रम धीरे धीरे बढ़ा है। इसलिए भगवान के दूसरा अवतार श्री वराह अवतार है। बल श्री वराह भगवान की, बल इनकी तीसरा अवतार बल श्री नारद जी रूप में आए। नारद जी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम नारद भक्ति सूत्र। ये ग्रंथ में उन्होंने भक्ति की बड़ी महिमा उन्होंने बताई। बोले भक्ति रे भाई बतायती, अगर भगवान तक कोई अगर पहुंचाता है कौन हमें पहुंचाएगा? बोले भक्ति ही भगवत चरण तक पहुंचाएगा। इसलिए भगवत दर्शन कौन कराएगा? बोले भक्ति ही भगवत दर्शन कराता है। इसलिए भक्ति रे वो भूयसी, इसलिए भक्ति की ही जगत में महिमा है। अब विशेष करके श्री नारद जी के 4 चेले हुए, 2 बालक हुए और 2 वृद्ध हुए। बोले 2 बालक कौन हुए? बोले एक ध्रुव और एक प्रभा है। कभी इतनी कम उम्र में नारद जी की ऐसे कृपा रही, इतने कम उम्र में भी इनको भगवत प्राप्ति करा दिया। बोले 2 वृद्ध कौन है? बोले एक वाल्मीकि और एक श्री व्यास। ये वाल्मीकि पहले दशरथ ना करता,
ये दशरथनागर था बाल्मी, जब नारद जिससे मिले बोले बाबा निकालो तेरे पास में किया है, बोले भैया हम तो साधु, हमारे पास लोटे सोटे लकुटे कुछ है ही नहीं, बोले जो कुछ हो निकालो। नारद जी ने बताया ये बताओ तुम ये पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो, ये पाप का फल कौन लेगा? बोले मेरी बीवी, मेरे बच्चे, पिता माता सब बांट करके लेंगे। बोले देखो ये दुनिया को तू नहीं जानते हो, ये सबके सब तेरे साथ में सुख में समय दे रहे हैं, दुख में कोई भी साथ देने वाले नहीं। क्या पूछ करके पत्नी से पूछा ये पाप कर्म करके जो पैसा कमाता हूँ तू लोगी की नहीं? बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम तेरा, मेरे कुछ बता दिया। पिता माता जी से पूछे बोले क्यों, तेरे को जन्म दिया, लिखाया, पढ़ाया, इतना बड़ा किया, हमें हमने कैसे पैसा कमाया है हमें पता, लेकिन तू कैसे पैसा कमाता हमें पता नहीं। अभी बच्चों को पूछा, बच्चे बोले हम क्यों ले, हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमें बड़ा करना, जब बड़े बनेंगे फिर हम सोचेंगे हमने कैसे पैसा कमाया। बोले भैया नारद तो सही बता रहा था, ये सब के सब दुनिया सुख में, कोई दुख में कोई है नहीं। फिर उन्होंने आए नारद जी के चरण में माफी मांगे, बोले बताओ हमने तो घोर पर पाप कर्म किया है, मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले बोले राम, बोलो बोलो राम। लेकिन वो इतना बड़ा पापी था, उसे राम ही नाम नहीं निकलेगा। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले बरा बरा तो बोल सकते हो? बोले हाँ इतना तो बोल सकता हूँ, इसलिए उल्टा नाम जपत लेकर जाना बाल है ब्रह्म समाना। नारद जी कृपा सुने रामायण ग्रंथ लिखे, व्यास हुए एक शिष्य जिन्होंने ये श्रीमद भागवत ग्रंथ लिखे, लेकिन दो चेले ने ऐसे दो दीपक ग्रंथ लिखे जो कि हमारी सनातन धर्म की सबसे ही अनमोल ग्रंथ है। यही नारद जी की बड़ी कृपा है, इसलिए इनका नाम नारद। नारद मतलब क्या, जो कभी रस नहीं होते, नर मतलब होता है रस, तब मतलब सबको जो रस देते हैं, नर मतलब होता है ज्ञान, सबको जो ज्ञान देते हैं, नर मतलब वो आसक्ति, तब मतलब खटेगी सभी का आसक्ति का जो खंडन करते हैं ये श्री नारद बाबा हैं। बोले श्री नारद जी की, इसलिए भगवान की ये तीसरा अवतार है। बोले चौथा अवतार, बोले भगवान श्री नर नारायण ऋषि रूप में बद्री का आश्रम में भजन कर रहे हैं। बोले भैया भजन तो जीव करेगा, भगवान क्यों करेगा? भगवान ने देखा कि कलयुग का जो जीव है ना ये भजन नहीं कर सकता, तपस्या नहीं कर सकते। आप देखना पहले पहले सत्ययुग में तो कैसे दस दस हजार बीस बीस हजार साल बिना आप खाए पिए तपस्या करते, पहले कलयुग में अगर एक दिन कोई एक एकादशी व्रत आ जाए, एक एक एकादशी व्रत है, अगर कोई काम करने के लिए बताओ ना, बोला आज हमने व्रत रखा, एक दिन में हम व्रत कर, एक दिन में भी हम व्रत नहीं रख सकते हैं। इसलिए भगवान ने देखा बल इनके लिए मैं तपस्या करूंगा, अगर कोई कष्ट करके बद्रीनाथ आए और मेरा दर्शन कर ले, मेरे दर्शन मात्र से ही मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, तपस्या का छठवा भाग का फल उनको अपने आप उनको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बोले बद्री विशाल की, कहते भगवान ऐसे ही उन्होंने मत्स्य कुर्म वराह कृष्ण बामन परशुराम राम बल्लभ भगवान कृष्ण गुर्दर कल की, उन्होंने ऐसे छवि से अवतार उन्होंने लिया है। लेकिन लेते लेते उन्होंने कृष्ण का नाम भी ले लिया, बोले कृष्ण भी एक अवतार है। सुतो गोस्वामी डर गए, बोले क्यों? बोले कृष्ण अवतार नहीं है, फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतारी। बोले अवतारी का मतलब जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, इसलिए कृष्ण के पूर्ण ब्रह्म ये कृष्ण है। इसलिए उन्होंने कृष्ण के लिए उन्होंने एक अलग श्लोक बनाया। उदाहरण देते हैं, जैसे अपना आपका घर में कोई फंक्शन हो रही है, अपने मोदी को भी आपने निमंत्रण दिया, बोले भैया हमारे घर में फंक्शन तुम भी आना, आपको कोई बड़ा प्यारा दोस्त है। अभी जब आम व्यक्ति जहाँ बैठ करके टेबल में खाना खा रहे थे, आपकी ध्यान नहीं रहा, मोदी भी आया, वो भी वहीं पर बैठ करके बैठ गया, इतने में अगर आपका नजर पड़ेगा, बोले भैया मोदी आया है और सबको साथ में बराबर आसन में बैठ गया,
अरे आप क्या करोगे, उसको अलग लेकर के अलग बैठा करके अलग स्वागत करोगे। उसी तरह श्री सुत गोस्वामी ने जब उन्होंने अवतारों का नाम ले रहा था, बोले भैया कृष्ण भी एक अवतार है। वो तो डर गए, मैं बोल दिया कृष्ण अवतार, क्यों कृष्ण अवतार नहीं, ये जितने अवतार सब कृष्ण से आते हैं। इसलिए उन्होंने सबके सामने एक सोने के सिंहासन में कृष्ण को लेकर के बैठाया और बैठा करके कृष्ण के लिए कहते हैं, बोले तेचान सकला पुरुष कृष्णस्तो भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुल लोकम मृढ़यन्ति युगे युगे। बोले हे सौनकाद ऋषियों, अभी तक मैंने जिन जिनियों का नाम लिया है, कोई कृष्ण का अंश का अंश, कोई कला कोई अंश है, लेकिन जो कृष्ण है ना, ये पूर्ण ब्रह्म के कृष्ण ही है। कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म, इसलिए श्री कवि जयदेव ने दशावतार स्तोत्र लिखते हैं। वो स्तोत्र में कहते हैं, बोले प्रलयो पयो भी जले भीता बानसी वेदा भीता बलिता चा केशव का मतलब क्या, का मतलब ब्रह्मा, इस मतलब शंकर, इनका जो प्रभु है ये केशव। केशव का दूसरा अर्थ होता है केशव बयाति इति केशव। जब राधा रानी रास छोड़ करके चली गई, मान करके कृष्ण कंघी लेकर के जिनकी केश को जिनकी केश को उन्होंने सवारा था, सुंदर फूलों से जिनकी श्रृंगार की है, इसलिए इनका नाम श्री केशव है। बोले ये जितने सारे अवतार किसने धारण किया, बोले भगवान केशव ने ही ये सारे अवतार को श्री कृष्ण ने धारण किया। मत्स्य कूर्म वराह विशित ये सारे अवतार श्री कृष्ण धारण करते हैं, इसलिए कृष्ण पूर्ण ब्रह्म। श्री रूप गोस्वामी उदाहरण देकर समझाते हैं, जैसे एक अंक एक, देखना जो एक अंक पूर्ण बताया, क्योंकि जो एक अंक वो किसी अंक का पद तो नहीं लेता है, लेकिन आप दो बोलो एक एक मिलकर दो, तीन बोलो दो एक मिलकर के तीन होगा, चार बोलो दो दो मिलकर के चार होगा, लेकिन अब एक बोलो देखना जो एक जो है ना वो किसी अंक का मदद नहीं लेता है। उसी तरह जो कृष्ण है ये सर्व कारण का जो कारण है ये भगवान कृष्ण है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, जैसे कृष्ण सब कारण का कारण, जैसे कृष्ण है कहते, उनका जो नाम है ना, उनका नाम भी सारे कारण का कारण, उनका नाम भी है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ बच्चे को गोद में लेकर बैठा, इसको भागवत जी अब जा मैया की गोद में बैठा, खड़ा नहीं होना, चुपचाप बैठ जाओ, नहीं तो तुमको घर में भेज देंगे पहले, वहीं पर चुप होकर बैठ जाओ। इसलिए बोले ये कृष्ण शब्द जो कृष्ण नाम है, कभी सबका कारण का कारण कृष्ण नाम है। इसलिए एक समय अच्छे तरह से सुना ये बात को, हम सबके सब चाहते हैं परिश्रम कम हो और ज्यादा फल मिले, यही चाहते हैं। इसलिए एक समय श्री शंकर जी को माता पार्वती प्रश्न करती है, बोले प्रभु हम किसको भजन करनी चाहिए और किसका नाम हमें लेनी चाहिए। शंकर जी कहते पार्वती आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधना परम। जितने आराधना में भगवान विष्णु का आराधना पार्वती सर्वश्रेष्ठ,
अभी माता पार्वती विष्णु सहस्त्र नाम 1000 विष्णु का नाम रोज रोज जप करते हैं। जब कुछ दिन गया फिर शंकर जी फिर बुलाए, बोले पार्वती ये विष्णु नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु कौन सा नाम है? बोले राम रामति रमति रम रवि मनोरवि सहस्र नाम विस्तुल्लभ श्री राम नाम बरान। सुंदरी पार्वती अगर ये विष्णु सहस्त्र नाम पे एक बार कोई पढ़े, मतलब 1000 नाम को ले, एक बार केवल श्री राम का नाम ले ले तो एक राम नाम समान 1000 विष्णु का नाम। बोले प्रभु फिर तो प्रभु राम का नाम लेनी चाहिए। बोले हाँ प्रभु राम नाम में बड़ा आनंद है। जब उन्होंने राम का नाम कुछ दिन तक लिए फिर शंकर जी बुलाए, बोले पार्वती ये राम नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले प्रभु कौन सा नाम है? बोले सहस्र नाम नाम पुण्यानाम त्रिरा विश्वादि जगफलम एक वृत्वा तु कृष्णस्य नामैकत्र प्रयच्छति। बोले जो विष्णु सहस्र नाम को कोई तीन बार ले, बोले 3000 विष्णु का नाम कोई ले, अगर एक बार से कृष्ण नाम ले ले पार्वती, एक कृष्ण नाम समान 3000 विष्णु नाम, मतलब एक कृष्ण नाम समान 3 बार राम नाम लेने का फल होता है। बोले प्रभु फिर तो श्री कृष्ण का नाम लेने चाहिए। बोले हाँ पार्वती ये कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है, इसलिए कृष्ण अर्जुन को इसलिए विराट रूप दिखाया ना, विराट को और कोई दिखाया विराट को केवल कृष्ण ने ही। बोले अर्जुन तो देह में कौन हो, जिसको ब्रह्मा शंकर देवी दुर्गा कहते हो, यहाँ तक भी जितने मत से कर्म बनाओ जितने देखो मेरे अंदर विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर, इसलिए मत पर किस अस्तित्व धनंजय हे अर्जुन मेरे को छोड़ करके जगत में कोई परतत्व नहीं, मैं ही सब कारण का कारण हूँ। पार्वती बोली प्रभु फिर कृष्ण नाम लेनी चाहिए। बोले हाँ कृष्ण नाम लेनी चाहिए। जब उन्होंने कुछ दिन तक कृष्ण नाम लिया ना, फिर शंकर जी कहते बल पार्वती बल कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। आप तो बता रहे हैं कृष्ण ही परिपूर्ण है, फिर आप बता रहे हो कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। पर मैं थोड़ी बताता हूँ, कभी एक बात तो श्री कृष्ण स्वयं बताए बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे Hare Krishna, Hare Krishna,
भी ये कृष्ण स्वयं ये चंद्रमा को ये बात बताए, बोले क्या बताए, बोले मम नाम सतनापि राधा नाम सदूतम ज करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीन्तम। कृष्ण कहते हैं चंद्रमा मेरे नाम को कोई 100 बार लेना और एक बार कोई अगर राधा जी का नाम लेते हैं, एक राधा जी का नाम समान मेरे 100 नाम बराबर। ये कृष्ण स्वयं ये चंद्रमा को ये बात बताए। इसलिए आप लोग वृंदावन जाओ ना, इसलिए आप लोग देखना कोई भी कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते हैं, वहां पर क्या बोलते हैं, जोर से बोलो राधे राधे, और जोर से राधे राधे। इसलिए वहां सबके सब श्री राधा रानी का नाम को ग्रहण करते हैं। इसलिए हम लोग जो हरे कृष्ण, इसलिए पहले हम ये हरे शब्द कहते हैं, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे मतलब सिर्फ राधिका, क्योंकि कृष्ण का मन को प्राण को चित्त को वो हरण करती है, वो हरा से ये हो गया हरे। कृष्ण मतलब राधे कृष्ण, पर उसने हरे राम हरे राम, पर हरे तो हो गया राधा रानी, पर राम कैसे आ गए थे, राधा जी को साथ में तो श्याम रहते हैं और राम के साथ में सीता रहती है और राधा जी को साथ में श्याम रहते हैं, पर इसमें फिर ये राम शब्द तो कैसे आ गया। कहते जो राम है ये दशरथ नंदन अयोध्यापति राम का नाम नहीं, इसमें कृष्ण राधा जी को साथ में रमण करते हैं, इसलिए कृष्ण का नाम राम। इसलिए कहते हैं ना जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, इसलिए राधा रमण इति राम, इसलिए कि महामंत्र राधा कृष्ण का इसमें नाम है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री महामंत्र की जय। तब श्री सौनकादि ऋषि लोग सुतो गोस्वामी को प्रश्न करते हैं, इनका प्रश्न है जैसे कि मंदिर में कथा हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को निमंत्रण दो भैया कथा सुनने के लिए आओ, इसकी छोटी मोटी कोई बिजनेस होगा नहीं तो छोटी मोटी कोई नौकरी होगा, बोले भैया हमारे पास में कथा सुनने का समय नहीं। लेकिन उसी समय में परीक्षित महाराज वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, भारत का राजा नहीं, उसी समय में ये चक्रवर्ती मतलब ये पृथ्वी के ऊपर में ये राजत्व करते थे। ये पृथ्वी पहले पूरा एक ही एक था, इसलिए कहते ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया नाम क्यों पड़ा, बोले कहते ये पांडव का ये अस्त्रगार था। आप देखना ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी जगह देखोगे एकदम डीजर्ड है, मरुभूमि, बोले ये मरुभूमि कैसे हुआ, अर्जुन ने वहां ब्रह्मास्त्र चलाया था, ब्रह्मास्त्र को परीक्षा किया था, इस एटम बम है ना ये ब्रह्मास्त्र ही से, इसलिए पर्थ ऑस्ट्रेलिया एक नाम पर्थ, ये पर्थ किसका नाम है, अर्जुन का नाम पार्थ है ना, ये पार्थ से पर्थ है। वहां पर एक स्थान का ब्रिजवीन, ब्रिजवीन तो ब्रजवन को वृंदावन को ब्रिजवीन कहते हैं। इसलिए रसिया नाम क्यों पड़ा, बोले ये ऋषि सिंह का राज्य था, ये ऋषि सिंह पहले वो रसिया में रहते थे, इसलिए मैंने रशिया में गया है वहां पर देखा उनका जो चर्च में गया देखा सब साधुओं का पट लगा हुआ, जटा जुटधारी जैसे यहाँ के साधु कमल को ओढ़ कर रहते हैं, वहां पर भी देखा ऐसे ही साधुओं का मूर्ति ऐसे ही वहां पर। इसलिए पहले ये पृथ्वी संपूर्ण एक था, इसलिए परीक्षित महाराज ये संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर वो राज्य तो कर रहे थे, वो छोटे मोटे राजा नहीं थे। लेकिन इन्होंने फिर ये भागवत कथा सुनने के लिए भैया सात दिन तक कैसे बैठे, कहते इसका वक्ता कौन है, बोले श्री सुखदेव गोस्वामी। ये कैसे थे ये सुखदेव गोस्वामी, कहते एक जगह पर उतना समय तक टिकते थे, एक गैया को दूध दोहन करने के लिए जितने समय लगे उससे ज्यादा समय ये कहीं नहीं टिकते थे। ये 16 साल तक मुंह खोले ही नहीं, लेकिन कृष्ण कथा में इतने आनंद इतना रस है, जब उन्होंने कृष्ण कथा बोलना शुरू किया ना 7 दिन तक मुंह ही बंद नहीं किए, पूरा 7 दिन तक उन्होंने कंटिन्यू बिना खाए पिए उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनाई। भैया इन्होंने कथा क्यों सुनाई और किस लिए सुनाई, ये परीक्षित महाराज को, इसलिए कृपा करके आप बताओ फिर ये व्यास देव जी ये फिर ये ग्रंथों क्यों रचना की, जो पूछा और नहीं पूछा
इस सब बात को मेरे को बता। तब उनने जो पूछे तब श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले द्वापरी समन प्राप्ति तृतीय पर जाए भगवान की सत्या में सबदार है। ये सृष्टि इनकी जन्म कैसे हुई बल्कि इनकी जन्म बड़ा अद्भुत जन्म है। कहते इनकी माँ की नाम क्या बोले सत्यवती। कहते एक समय श्री पराशर ऋषि जमुना नदी पार करते हुए दूसरे तरफ में आए थे। आप लोग मथुरा गए हो, मथुरा कौन कौन गए नहीं गए, वहां पर श्री विश्राम घाट है। विश्राम घाट के पास में वहां पर कृष्ण गंगा घाट है। मतलब वहीं पर श्री पराशर ऋषि जमुना नदी पार करके आए थे, लेकिन जब वापस आए हो गया था शाम। पहले जो केवट होते थे नाव चलाने वाले, वो जमुना किनारा भी निवास करते थे, जो आता था उसको पार करा देते थे। अभी दिन भर काम करते करते थक गए थे। इनकी एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम थी सत्यवती। पहले इसका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा मतलब मछली की। कहते पहले इनकी शरीर से मछली की बदबू आती थी, लेकिन ये मछली के गर्भ से इसने जन्म हुई थी, इसलिए इसका नाम थी मत्स्यगंधा। तब उन्हें बेटी बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर थी। तब श्री केवट ने बताया बोले देखो बेटी एक काम करो, ये बाबा जी आए हैं थोड़ी देर नदी जमुना पार करा। जब वो पार करा रही थी, अभी पराशर ऋषि ने ये सत्यवती को देख करके समझ गए भैया ये बेटी कोई साधारण बेटी नहीं। वहां पर बीच में एक टापू थी, नाव वहीं लग गई और चारों तरफ में कोहरा कोहरा छा गया। इन्होंने तिब्बत दृष्टि से वो बेटी के प्रति उन्होंने दर्शन की। दर्शन मात्र से ही ऋषि मुनि थे ना, इन्हें गर्भ दर्शन मात्र से गर्भवती हुई। गर्भवती होते ही उसने एक संतान जन्म दिए, बड़ा सुंदर 16 साल के बालकों को जन्म दिया, जिनका नाम पड़ गया कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। कृष्ण मतलब देखने में कृष्ण जैसे वैसे ही होते हैं, देखने में श्याम रंग की। द्वैपायन दीप से प्रकट हुए। वेदव्यास मतलब जिन्होंने वेद को जिसने विभाजन किया है, इसलिए इनका नाम ये पड़ा। कहते व्यास देव भगवान की ये सत्यावेश अवतार है। इन्होंने अपना ध्यान से उन्होंने सब कुछ देख लिया, ये कलयुग आ रहा है। कलयुग में धीरे 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 लोग सबके सब बुद्धि ह्रास होती रही, क्योंकि पहले पहले जो खाना मिलता था ना एकदम प्योर खाना मिलता था, लेकिन आपको कोई प्योर चीज नहीं मिलेगी। हर सब्जी देखो हाइब्रिड देकर बनाते हैं। आप बाजार से घी खरीदी करो, लिखा हुआ प्योर घी है, रामदेव बाबा का प्योर घी, लेकिन कहते भैया कोई प्योर नहीं। कोई भी चीज आपको प्योर नहीं मिलेगी इस समय, सब मिलावट चीज है। इसलिए तरह तरह का बीमारी, तरह तरह का छोटे बच्चों का चश्मा लग जाती है, गर्भ से ही डायबिटीज जन्म लेते हैं, वो गर्भ से ही बीमारी होकर के आते हैं। इसलिए उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से सब कुछ उन्होंने देखा। धीरे धीरे बुद्धि ह्रास होती जाएगी। पहले एक ग्रंथ की जरूरत नहीं होता था। आप कृष्ण लीला राम लीला देखे होंगे, पहले गुरुकुल में बच्चे जाते थे, गुरु जी उनको रटाते 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 वेद पुराण उपनिषद सबके सब वहीं पर स्कूल में रट लेते थे, इतने उनकी तीक्ष्ण बुद्धि होता था। लेकिन अभी कलयुग में बुद्धि तीक्ष्ण आएगी कहाँ से, धीरे धीरे तो खाना पीना से तो बनेगा। अभी सब कुछ पिज्जा पास्ता उल्टा पुल्टा, पता नहीं कोई अच्छी चीज खाते ही हैं। और छोटे छोटे बच्चों का तो स्वभाव इतने बिगड़ा हुआ, इतने बिगड़ा हुआ, पता नहीं क्या क्या वो बच्चे लोग क्या खाते रहते हैं हैं। इसलिए कोई चीज प्योर चीज नहीं, अपना दिव्य दृष्टि से उन्होंने देख लिया। इसलिए एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकट किया। फिर उन्होंने उपनिषद को रचना की। वेद मतलब जो भगवान को जनाए, उपनिषद मतलब जो भगवान को पास में निवास कराए। फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र को लिखे, फिर उन्होंने सत्र पुराण, फिर देखा स्त्री शूद्रों को ये वेद में अधिकार नहीं, फिर पंचम वेद उन्होंने महाभारत लिखे, जिसकी अंदर में ये भगवत गीता, जिसके अंदर में ये भगवत गीता आती है।
लेकिन इतने सारे शास्त्र करने का बावजूद भी उनको अंदर शांति नहीं, बड़े दुखी होकर के बैठोगे। इतने में भगवती शास्त्र श्री नारद जी बिना बजाते बजाते ठाकुर की कीर्तन करते करते श्री नारद जी वहां पधारते हैं। प्रभु जी आपके भजन सुनाएंगे। नारद कैसे कीर्तन करते करते श्री नारद जी कैसे आए, बसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कि वृंदावन में पड़े रहो, कि वृंदावन में पड़े रहो, देख बिहारी रूप, अरदास बराबर को करे सब भूपन को भूप। कि महारानी श्री राधिका, जगर गुहारत सागर, कि जय 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 राधा कुंड। अरे प्रेम सरोवर प्रेम की धरे तो आइए आप लोग मोहन से दिल कौन कौन लगाया है, किस किस ने लगाया मोहन से दिल, कोई नहीं लगाया। अरे मोहन से दिल लगाए तभी तो यहां कथा सुनने आए हैं। तो आइए सभी लोग ताली बजा कर लगाए। अरे मोहन से दिल के लगाया, Yeah।
बारिश हो रही है लेकिन आवाज तो निकलनी चाहिए, आवाज बहुत कम आ रही है आपको। वृंदावन में लोग क्या बोलते हैं? राधे राधे। सभी लोग हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। ध्यान से बोलो
भगवान होकर के अगर राधा रानी को भी मान करती हैं, श्याम सुंदर अपना सर नीचे झुका देती हैं, हे राधे अभी तो मान को छोड़ दो, तुमने ये प्रेम की बात नहीं बताए, कृष्ण परात पर तत्व होते हुए अभी भक्तों का प्रेम में कैसे वशीभूत हो जाते हैं, ये बात तुमने स्पष्ट रूप में नहीं बताया बेटा, इसलिए तुमने इधर उधर देवा देवियों की बात की बढ़ा चढ़ा कर बता दिया। आप देखना कि दुनिया में भले जिसको पूज लो, जिसको उपासना कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगा ना, जब शरीर छूटेगा, चार व्यक्ति ले जाएंगे, आप देखना क्या क्या बोलते बोलते ले जाते हैं, वो कहते ना राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कई बार झूठा है, बोले तुमने जो इधर उधर की पूजा की सब झूठा भी निकल बिताया, राम का कृष्ण का नाम ही सच्चा है, जगत में सब झूठा है, क्योंकि जो जीव का स्वरूप वो भगवान के संतान है, इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्व मम देव देव, कृष्ण गीता में खुद कहती बात है, बोले हे अर्जुन पिता अहम अस्य जगत धाता माता पितामह, ये दुनिया के पिता माता भाई बंधु मैं हूँ, मैंने ही जगत को सृष्टि किया है, इसलिए हे अर्जुन मेरे से कोई परतत्व नहीं, देखो ये 33 करोड़ देवता सब मेरे में हैं, सब सबके सब मेरे अंदर में विश्व ब्रह्मांड है, इसलिए कृष्ण लास्ट में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, हे अर्जुन सब छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, भले हमारा पाप नहीं लग गया, फिर दूसरे देवा देवी अगर हमारे पीछे पड़ गए तो कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पाप बम्बक्षयामि, मैं तुमको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा, माँ सोचो कोई चिंता मत करो, क्यों ये जितने सब देवता है 33 करोड़ देवता ये सब के सब मैंने उनको एक एक पोस्ट में नियुक्त दिया, किसको अग्नि देवता, किसको वायु देवता, किसको बिजली देवता, किसको हैं अलग अलग, मैंने उनको अलग अलग रूप में नियुक्त किया, जब मेरे शरण में आ जाओगे वो सबके सब प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए कहते हैं ना जहाँ पर कृपा हरि की हुई ता पर कृपा करे सब, जब भगवान की कृपा किसको ऊपर हो जाए उसको ऊपर में सबके सब उसको ऊपर में कृपा कर देते हैं सबके सब, बोले अभी तुमने ये भागवत ग्रंथ रचना करो शुद्ध रूप में जिसमें भगवान की भक्त और भगवान की प्रेम की कथा सुनाओ, इसी में ही तुमको शांति मिलेगी, तब से नारद जी फिर उनको सुनाया देखो मैं इतना बड़ा संत हुआ तो कैसे इतना बड़ा संत हो गया, बोले मैं किसी गरीब घर में मेरी जन्म हुई, एक समय चातुर्मास में हमारे गांव में कुछ संत लोग आए हुए थे, संत लोग आते ही हरि कीर्तन हरि कथा शुरू हो गई, वहां भी खाना पीना भी बनना शुरू हो गए, मेरी मैया तो गरीब घर में जन्म हुई थी, सोचा अगर ये संतों की थोड़ी बहुत सेवा कर दो मुझे भी खाना मिल जाएगी, मेरे बच्चों को भी खाना मिल जाएगी, इसलिए मैया ने संतों की सेवा की, अभी माँ जो करेगा बच्चे तो वही करेंगे ना, इसलिए पहला गुरु कौन है पिता माता हमारी, सबसे पहला गुरु श्री पिता माता हमारे पहला गुरु है, सबसे पहला संस्कार श्री पिता माता सही बच्चों को पढ़ता है, अभी मैया अगर संत सेवा करेगी फिर बेटा भी संतों की सेवा करेगा, मैया बैठी करके संत जब हरि कथा करते थे सुनती थी, मैं भी बैठी करके संतों से कथा सुनता था, लेकिन साधारण बच्चे जैसे मैं नहीं था, बच्चे जैसे खेलते कूदते हैं, लेकिन जब संत कथा करते थे कीर्तन करते थे मैं बैठी करके कथा कीर्तन सुनता था, यद्यपि ये संत लोग समदर्शी है सबको बराबर देखते हैं, लेकिन इनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, बोले क्यों पड़ी कारण क्या, बोले कारण है उन लोगों ने मेरे अंदर में कुछ गुण को देखा, बोले पहला गुण क्या देखा, बोले कीर्तन कथा को समय में ये बच्चा खेलता कूदता नहीं, एकदम सीधा बैठी करके बजरा लेकर कीर्तन करता है और ये कथा सुनता है, अगर ये संतों का आदेश आदेश में पालन करता था, बोले बेटा जाओ फूल ले आओ ठाकुर का सेवा में लगेगा, मैं भागते भागते जाता था फूल तोड़ कर ले आता था, थोड़ा चंदन घिसी तो चंदन घिसता था, ठाकुर जी के लिए माला बनाया करता था, ये सब चीज को देख करके संतों की मेरे ऊपर में बड़ी भारी कृपा संतों की हुई, एक दिन मैंने कथा सुनी, संत लोग कह रहे थे अगर कोई भगवत भक्ति पाना चाहते हैं
सबसे तीन सरल उपाय ध्यान देकर सुनो। भक्ति अगर पाना चाहते हो, भगवान को पाना चाहते हो, बोले सबसे तीन उपाय सरल है। बोले वो तीन उपाय क्या है? बोले पहला नंबर है संतों का चरणा मृत लो, दूसरा नंबर है संतों की चरण धूलि लो, तीसरा है उनकी कथा मृत का प्रसाद रूपी अमृत लो। ये तीन चीज जितने प्रभु की प्रेम देने वाले और जगत में कोई चीज नहीं इतना जल्दी प्रभु को भक्ति देने वाली। एक दिन संत लोगों ने भगवान के प्रसाद खाए और पतले में इतना प्रसाद छोड़ करके चले गए थे। मैंने सुना था संतों का प्रसाद में बड़ी शक्ति है, संतों का आदेश को लेकर के मैंने एक बार केवल संतों का प्रसाद पाया। बोले व्यास देव तेरे को मैं सच सच बता रहा हूँ, मेरे हृदय निर्मल हो गया, अब प्रभु का प्रति रुचि प्रजायते, ठाकुर जी के चरण में मेरी रुचि प्रकट हो गई, मेरी प्रीति प्रकट हो गई ठाकुर जी के चरण में। चार महीना खत्म हो गए, संत लोग जाने के लिए तैयार हुए। मैंने कहा भैया मेरे को भी साथ में ले चलो, क्यों? संतों का साथ में बड़ा आनंद है, हर समय प्रभु की चर्चा, प्रभु का कीर्तन, प्रभु की भक्ति छोड़कर कोई दूसरी बात नहीं। अब प्रभु का भक्ति कीर्तन में तो आनंद ही आनंद है, लेकिन मैया का भी एक लौता संतान था, मैया मेरे को जाने नहीं थी। संत लोग जाते समय मेरे को एक मंत्र देकर गए, बोले बेटा ये मंत्र को तू जप करते रहना, हैं? जब जब तुम्हें समय मिले ये मंत्र को तुम जप करना। अभी मेरी मैया गई थी शाम का समय में गोदहन करने के लिए, एक चहरे सर्प को ऊपर प्यार पड़ गया, इतने में सर्प ने मेरे मैया को काट दी, वहीं पर मेरी मैया शरीर त्याग दी। किसने कहा नारद जी तेरे मैया को तो सांप ने काट दी, प्राण त्याग दे दी। दुखी भी हुआ और सुखी भी हुआ। बोले क्यों? बोले अभी तो मेरे को कोई बाधा देने वाले रोकने भोगने कोई बल है नहीं, अभी तो मैं भजन करने के लिए मैं जा सकता हूँ, अभी भक्ति करने के लिए मैं जा सकता हूँ। वहीं से मैंने भक्ति करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन भगवान परीक्षा भी लेते हैं। क्या परीक्षा लेते हैं? जब थोड़ी दूर गया, दो सेठ सेठानी थे जिनके घर में संतान नहीं और अथाह संपत्ति उसके घर में। मैं 5 साल का बड़ा सुंदर बच्चा था, मेरे को देख करके बोला इतने सुंदर बच्चा। बोले बेटा हमारा कोई बेटा नहीं, एक बार हमारी गोद में बैठ जा, एक बार केवल हमें पिता माता बोल दे, सारी संपत्ति के मालिक तू ही बन जा। बोले भैया बैठूंगा तो ठाकुर का गोद में बैठूंगा, ये दुनिया की किसकी गोद में मैं बैठने वाले नहीं। और थोड़ी दूर गया, एक राज्य में राजा ही हाथी सोने का कलश लेकर घूम रहा था, जिसकी सर पर डालेगा वही राजा बनेगा, मेरे ऊपर डालता। देश का लोग मेरे को पकड़ लिए, बोले देश का राजा मिल गया, राजा मिल गया। बोले भैया मैं राजा बना, राजा बनने वाला नहीं हूँ। उसको भी मैंने त्याग दी, फिर सोने की मैंने खान देखी, लेकिन उसकी मोह भी मैंने त्याग दी। क्योंकि जब आप प्रभु की प्रेम पाने के लिए जाओ ना, कभी कभी ठाकुर जी ये दुनियादारी वस्तु देख करके आपको भुलाना चाहते हैं। अगर उसमें भूलोगे नहीं तो फिर ठाकुर के पास में पहुंच सकते, अगर इसकी चक्कर में पड़ेंगे तो फिर इसी चक्कर में ही पड़ते रह जाओगे। अभी घोर जंगल में गया, बड़ी सुंदर सरोवर जिसमें सुंदर कमल फूल खिला हुआ, राजहंस क्रीड़ा कर रहे थे, मधुमक्खी हाँ बढ़ रहे थे, सुगंधित पानी, पेट भर करके मैंने पानी पी और वही बैठ करके हमें गुरुदेव ने जो मंत्र प्रदान किया था वो मंत्र को फिर मैंने जप करना शुरू किया। मंत्र जप करते 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 मेरे हृदय जब निर्मल हो गया, इतने में ठाकुर जी की एक झलक दर्शन मिला। और ठाकुर जी इतने सुंदर थे ठाकुर जी को दर्शन करके तो मैं तो मुग्ध हो गया। लेकिन फिर दर्शन देकर ठाकुर जी का ही अंतर ध्यान हो गए, फिर मैंने विरह में रोना शुरू कर दिया। ठाकुर जी अगर दर्शन नहीं देना दर्शन नहीं देते, लेकिन दर्शन देकर कहाँ चले गए, फिर मैंने रोना शुरू कर दिया। हाँ देखो ठाकुर जी का दर्शन कब होता है? बोले भावावस्था में बताए, थोड़ी थोड़ी ठाकुर दर्शन का इंगित मिलेगा भाव अवस्था में, और प्रेम में ही कृष्ण दर्शन है। बोले भाव का लक्षण किया, हाँ ध्यान देकर सुनो, कहते भाव का लक्षण है कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी सुनता हूँ।
उसी अवस्था में इसी शरीर का कोई बुद्ध उसकी नहीं रहेगी, पूरा उस पर डायरेक्ट जो लिंक है ना ठाकुर के साथ हो जाता है। जगत में कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, जगत का कोई उसकी बुद्ध नहीं। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा ठाकुर जी की चरण की नुपुर की छम छम आवाज आ रही, वो कान खड़े करके सुनने लग जाएगा। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए और हमें स्पर्श किया है, उसका रोंगट खड़े हो जाएगा। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा ठाकुर जी आए और हमें अपना अधरा मृत पिला करके चले गए, वो होठ को चाटने लग जाता है। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी मेरे साथ में ठाकुर जी प्रकट हो गए सामने, इतने सुंदर ठाकुर जी, इतने उनके शरीर का प्रकाश, आंख उसकी चकाचौंध हो जाता है। कभी ये भाव का एक एक लक्षण बताया, लेकिन उसी समय भी नौ लक्षण उसको शरीर में प्रकट होता है। बोले ध्यान तेरी अव्यर्थ काल तब विरक्ति मान शून्यता आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, इस नौ लक्षण दिखाई पड़ेगा। कभी भाव ऐसे नहीं थोड़ी समय के लिए भाव आ जाएगा फिर नहीं खत्म नहीं, अगर ये भाव उतरेगा ना कभी ये नौ लक्षण होनी चाहिए शरीर में। शांति मतलब है जगत जीवन में जितने दुख कष्ट आए, जीवन में कोई भी कष्ट आएगा लेकिन वो कभी भगवान को मिलेगा नहीं, अव्यर्थ काल तक समय को कभी बर्बाद नहीं करेगा, हर समय प्रभु का कीर्तन कथा में डूबा रहेगा। विरक्ति ये सांसारिक वस्तु का प्रति उसकी आसक्ति नहीं, विरक्ति रहेगा। मान शून्यता कभी भी हृदय में प्रतिष्ठा की भावना नहीं रहेगी, हमारी कोई बहावा करे हमारी कोई बढ़ाई करे नहीं रहेगा, लेकिन सबको सम्मान मिलेगा क्योंकि देखिए सबका हृदय में ठाकुर जी की निवास है, सबका हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए, इसलिए हर जीव को ठाकुर जी की अधिष्ठान मानकर सबको ये सम्मान प्रदान करेगा। इसलिए नाम गाने सदा रुचि, हर समय प्रभु का नाम कीर्तन में बड़ी रुचि रहेगी। आसक्ति तद गुणाख्याने भगवत कथा सुनने के लिए बड़ा तत्पर रहेगा। प्रीति तद बसत स्थले, जहाँ भगवान का धाम हो वहाँ जाने की वहाँ निवास करने की हृदय में बड़ी भावना रहेगी। तद ये सब चीज शरीर में दिखाई पड़ेगा उसको, तभी उसको भाव कहलाएगा। ठाकुर जी जब अंतर ध्यान हो गए बोले हे प्रभु दर्शन देकर कहाँ चले गए, ठाकुर जी रोने लग गया। आकाशवाणी हुई बोले हे नारद जी अभी पक्को कसना दुर्दर्श अहम दुर्योधना, अभी तुम्हारे हृदय में परिवर्तन कमी है, अभी तुम्हारे हृदय में प्रेम अभी पूर्ण प्रकट नहीं हुआ, अभी थोड़ी सी कमी है, केवल उत्कंठा को बढ़ाने के लिए मैंने दर्शन दिया, अगले जीवन में मेरी दर्शन होगा। हेर नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप में जन्म हुए और गिरिराज गोवर्धन में वहां पर नारद पुत्र है, गिरिराज के आश्रय करते हुए उन्होंने भक्ति की। फिर भगवान दिव्य रास में श्री जुगल सरकार की ठाकुर का दर्शन हुई। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की ठाकुर जी को दर्शन हुए तो श्री राधा रानी अपना प्रसाद बिना श्री नारद जी को प्रदान किया। बोले जब जब मैंने ये बिना में श्री राधा कृष्ण की कीर्तन करता हूँ ठाकुर जी कहीं भी होना ठाकुर जी दौड़ दौड़ करके आते हैं और मेरे दर्शन प्रदान करते हैं, और मैं जहाँ चाहता हूँ अगर वैकुंठ जाना चाहता हूँ सीधा वैकुंठ चला जाता हूँ, वृंदावन जाना चाहता हूँ ये मन जितने तेजी से ये मन गति करती है मेरे शरीर भी उतना तेजी से गति करती है, इसलिए विश्व ब्रह्मांड में भ्रमण करता हूँ और सबको मैं प्रभु की भक्ति की उपदेश देता हूँ। इसलिए है व्यास देव अगर जीवन में तो शांति सुख पाना चाहते हो अभी ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रचना करो जिसमें शुद्ध रूप में भगवान और उनकी भक्तों का चरित्र को लिखो, इधर उधर का कोई बात को मत लिखो। फिर श्री व्यास देव जी भक्ति योग समाधि के द्वारा उन्होंने समाधि हुई और भगवान की गोलोक वृंदावन को दर्शन किया, जुगल सरकार के दर्शन किया, उनकी सखा सखियों का दर्शन किया। फिर श्री नारद व्यास देव ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने रचना करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रथम की जय जय श्री राधे।
का कीर्तन कर लेते। अरे पीछे पीछे सबके सब बोलो बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा। देखो ये जो महामंत्र में उसमें तीन नाम है, हरे कृष्णा और राम, इसमें तीन नाम है। हरे मतलब क्या? बोला हमारे दुख कष्ट को जो हरण कर ले, इसलिए उनका नाम हरे। कृष्ण मतलब क्या? मन बड़ा चंचल है, कृष्ण नाम लेते ही जो चंचल मन शांत हो जाता है और आनंद मिलता है। राम मतलब सभी के हृदय में जो रमण करते हैं और जीवन में हमें जो आराम हो, इसलिए इसमें तीन नाम है। अगर ये तीन नाम को जप करता तो तीन फल मिलेगा। आप बोलेंगे भगवान का नाम लेने से क्या होता है? बोले नहीं भैया, ये सब तो ब्रह्म है, ये सब तो सामान्य नहीं, ये दुनिया जो चल रहा है ना शब्दों के ऊपर चल रहा है। मोदी की इतना प्रसिद्ध क्यों? वो बिना देखे लेक्चर देता है, बिना देखे वो लेक्चर देता है। सारा दुनिया समझना ये वाणी के ऊपर में, ये विश्व ब्रह्मांड मतलब वाणी के ऊपर चलता है। जैसे मैं बोलूं हैं, जैसे अगर मैं बोलूं देखो ये माता जी, आपका नाम क्या है? क्या? सुनीता। अगर मैं बोलता हूँ माता सुनीता बड़ी अच्छी है, बड़ी दयालु है, सबको ऊपर में कृपा करती है, हैं? सबको समभाव में देखती है, भावना बहुत अच्छी भावना। अगर बोलू शब्द ही था ना, माता जी खुश हो जाए। अगर मैं थोड़ी पानी कड़ी बोल दू उल्टा पुलटा है ना, क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है। पानी तो और कुछ पीछे है नहीं, पानी ना है। इसलिए ये भगवान का फैल जब साधारण पानी में इतने शक्ति, फिर भगवान के नाम में इतनी शक्ति क्यों नहीं? इसलिए भागवत में बताए बल मधुरम मधुरम मित्र मंगल मंगल नाम सकल निगम बल्ली सर्वल स्वरूप। बल भगवान का नाम कैसे है? बल मधुरम मधुरम मित्र, बल मधुर सभी भगवान का नाम लिखा है। बल मंगल मंगल नाम, जितने मंगल से सबसे श्रेष्ठ मंगल ठाकुर जी का नाम है। बोले सकल निगम बल्ली, जितने वेद पुराण उपनिषद का जो निचोड़ है ये भगवान का नाम है। एक बार अगर किसी तरह से प्रभु का नाम मुंह से निकल जाए तो ये प्राणी मात्र को उद्धार कर लेता है। ठाकुर का नाम में बड़ा शक्ति है। इसलिए आप लोग मेरे पीछे पीछे ताली बजाते हुए, ताली में कंजूस नहीं करना, क्यों? प्रभु जी बता रहे थे ना ताली बजाने का बड़ा महत्व है। कभी कभी हमारी रेखा उल्टा पुल्टा रहता है, गड़बड़ी रहती है, लेकिन अगर कीर्तन में ताली बजाओ कि जो भाग्य रेखा बदल जाएगी। बोले क्यों बदल जाएगी? भाग्य रेखा कैसे बदल जाएगी? जैसे हम संसार में ज्यादा दुखी हो जाते हैं ना, हम ज्योतिष को पास में जाते हैं, बोले भैया देखो तो घर में इतने दुखों का कष्ट क्यों आ रहा है? एक बाद दुख आती जा रही है, दुख कष्ट जा ही नहीं रहा है। क्या ज्योतिष तुम्हारे दुख कष्ट को खत्म कर देगा? बल्कि इधर उधर बोल कर ये स्टोर पहन लो, ये कर लो, पता नहीं कितने पैसा निकल लेगा। वो तुम्हारे दुख कष्ट को दूर नहीं कर सकता है, हैं? लेकिन दुख कष्ट को कौन दूर कर सकता है? ठाकुर जी कर सकते हैं, क्योंकि उनका नाम ईश्वर। पर ईश्वर का डेफिनेशन क्या है? बोले अकर्तुम कर्तुम जो सक्य थे सब ईश्वर। बोले हे को नहीं, नहीं को जो हे कर सकते हैं, दिन को रात, रात को जो दिन कर सकते हैं, वो भगवान है। जैसे हम ताली बजाते हैं, बोले ताली कब बजाते हैं? बोले किसकी स्वागत में हम ताली बजाते हैं? कहते ना भैया ताली बजा कर किसी को स्वागत करो, लेकिन यहाँ पर जो ताली बजा रहे हो किसकी स्वागत में? ठाकुर जी के स्वागत में। अगर तुम्हारी भाग्य रेखा उल्टा पुल्टा रहेगा ना, मेरे तरफ में देखो, माताओं के लिए ना उल्टा हाथ है और भाई लोगों के लिए सीधा हाथ है। देखो ये रेखा को भाग्य रेखा कहते हैं। आप अपने आप देख सकते हो ये जो रेखा है ये भाग्य रेखा है। आप देखना ये रेखा जिसको जितने बढ़िया है, भाई लोगों के लिए सीधा, माताओं के लिए उल्टा हाथ, जिसको जितने बढ़िया होगा आप देखना वो दुनिया में आप उतना ही पलते बढ़ रहे हो, यही भाग्य रेखा है। इसलिए आप कीर्तन से पहले अपना हाथ को देख लो और कीर्तन को बाहर में देख लो, क्योंकि भगवान ही ये भाग्य रेखा को वही बदला सकते हैं। दुनिया में कोई भी तुम्हारी भाग्य रेखा नहीं बदला सकते, भले ही जितने बात करें केवल भगवान ही वो बदला सकते हैं। इसलिए ठाकुर का कीर्तन में कुछ जोर जोर से ताली बजा बजा कर कीर्तन करना। देखो एक तो भाग्य रेखा बदलेगी और दूसरा लाभ क्या है? बोले आप लोगों को सुने होगा, आपको प्रेशर नाम सुने हो?
आपको प्रेशर नाम सुने होंगे, सबसे चाइना में ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पहले तो भारत में था, भारत से फिर चला गया लंका, लंका से चाइना चले गए। ताली बजाओगे भाई आपको प्रेशर। अब रामदेव बाबा योगा देखे हो, वो कहते ना ये जाकर दबाओ कैंसर सही होगा, ये डायबिटीज, ये ब्रेन, हाथ में दिखाते ना दबा दबा कर। आप देखो ताली बजाने पर सारे हाथ की इतने पैंट से आपकी अब दबती है। आप देखना दो मिनट की ताली बजाओगे ना शरीर में ऊर्जा प्रकट हो जाएगा, शरीर गर्मी हो जाती है, सारे नस खुल जाती है। तो बड़ा इंटेलिजेंट बनता है जो ताली बजाएगा, क्योंकि सारे नस खुल जाती है ताली बजाने पर। ठीक है, इसलिए मेरे पीछे पीछे ताली बजाओ जोर जोर से और कीर्तन करना। अरे कीर्तन में बोलना, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Oh,
बड़ी सुंदर ये भागवत ग्रंथ रचना की। बोले भैया ग्रंथ तो बड़ी सुंदर है लेकिन हम पढ़ाएंगे किसको? बोले जिसको जिसके लिए मैंने ग्रंथ रचना की श्री सुखदेव गोस्वामी के लिए, लेकिन वो बचपन से ही ब्रह्मज्ञानी बन करके तो चला गया जंगल में। व्यास तक की चार चले थे। बोले देखो चले हो, मेरे एक तोता था कहीं उड़ते हुए चला गया, उसको पकड़ा कर ला सकते हो? बोले गुरु जी जंगल में तो बहुत सारे तोते, हमें क्या पता आपका तोता कौन सा है। बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, तुम चार चेलों को मैंने चार श्लोक सिखाता हूँ। ये श्लोक सुन करके, ये मंत्र सुन करके जो अपने आप पकड़े में आ जाएगा समझना वही मेरे तोता है। बोले ये मंत्र सुनकर पकड़े में आ जाएगा? बोले हाँ ये मंत्र बड़ा अद्भुत मंत्र है। तब उन्होंने पहला चेले को पहला मंत्र पढ़ा दिए। बोले ये मंत्र किसने बोला? बोले राधा रानी के मुंह से ये मंत्र निकले। हमारे श्री बांके बिहार कितने सुंदर है, इसने कहते ना बांके बिहार की देख छटा और मेरे मन हो गया लटा पटा। ठाकुर जी बड़े सुंदर है इसलिए कभी कभी गोपियां ताना मारती है, नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की। अच्छा हो गया तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बना करके लाला बना दिया। अगर तू लाली होती ना पता नहीं तू इतने सुंदर हो, पृथ्वी तेरे लिए भर जाते सुंदर करते करते, इतने कृष्ण सुंदर है। इसलिए बताए कोटि कंदर्प कमली अभिशेष शुभम, करोड़ों काम देव जी सामने परास्त हो जाते हैं कृष्ण इतने सुंदर। इसलिए राधा रानी स्वयं ये श्लोक को बताते हैं। बोले बराहा पीड़म नट बर बपू करनयो करनी कारम विप्रत पात कनक कपि सयन भई जयंती जमाला रंगान भीड़ रघर सुदया पुरयान गोप वृंदय वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राग संता दीप कीर्ति। कृष्ण कितने सुंदर है ठाकुर जी। जब उन्होंने पहला चेले को ये श्लोक पढ़ाया, अभी सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मज्ञानी थे, वो भगवान को निराकार निर्विशेष मानते थे। बोले भैया उसका तो कोई रूप गुण है कि वो निराकार है, लेकिन हमारी कन्या तो बड़े सुंदर है। लेकिन उनको कान में जब ये श्लोक पड़ गया कृष्ण कितने सुंदर, सर में कैसे मोर मुकुट है, गले में कितने सुंदर माला पहने हैं ठाकुर जी, हैं ठाकुर जी कैसे मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं। इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती है अगली जीवन में तो मैं राधा ही नहीं बनू, बनूंगी तो ये बंसुरी बन कर गया। बोले क्यों? बोले देखो कृष्ण गोप हम गोपी, कृष्ण की अधरा कृता में हमारी अधिकार, लेकिन देखो कृष्ण दीन भरी बंसुरी में छोड़ते ऐसे बंसुरी बजाते ना, कहते ये सारे बंसुरी कृष्ण के अधर कितने सुंदर है लाल, लेकिन ये बंसुरी सारे रस का ही चूस रही है और कृष्ण का अधर तो नीला पड़ गया, सारे रस तो यही चूस रहा है, कभी हाथों में कभी कमर में कभी अधर में। और बंसी को कितने सौभाग्य देते हैं, देखो मेरे तरफ में देखो कृष्ण बंसी को ऐसे बजाते हैं, ऐसे बजाते हैं कृष्ण, कहते जैसे एक राजा महाराजा की जैसे सेवा होती है, जैसे राजा डल्लभ गद्दी के ऊपर पलंग में सोता है, बंसुरी का अपना अमरूक ऊपर रखते हैं, मानो ये डल्लभ गद्दी है, तकिया मतलब अधर जैसे तकिया, जैसे राजा की चरण दबाते अमूल चलाते हैं कृष्ण बंसुरी के लिए, मतलब उनके चरण दबा रहे हैं, कान में कुंडल जैसे राजा की सर के ऊपर छत्र धारण करते हैं, आंखों का पलक जब झपकती है बोले पलक नहीं जैसे राजा महाराज को हवा करते हैं। इसलिए राधा रानी कहती भैया मैं तो अगले जीवन में राधा ही बन करके नहीं ये बंसुरी बन करके आऊंगी, तो कन्या मेरे को पास में रखा करेंगे, एक बार तीन बार कृष्ण के साथ में मिलते रहोगी। कोई गोपी कहती है अगर तुम बंसुरी बनोगे कृष्ण को क्या पता चलेगा, बोले कृष्ण सब जानते हैं ना, वो समझ लेंगे राधा जी ये बंसुरी बन करके आई, फिर तो मेरे को दीन और अपना पास में राधा रानी रखा करेगी। बोले देखो ये वृंदावन धाम की कितने महिमा, हर अवतार में प्रभु पादुका पहने, लेकिन कृष्ण ही ऐसे एक ठाकुर हुए अभी पादुका ठाकुर जी नहीं पहने। इसलिए कृष्ण जब गोचारण में जा रहे थे मैया बोले लाला तेरे लिए छतरी और जूती बना देती हूँ, भैया हम गोपाल हैं गैया हमारी इष्ट है, गैया के ऊपर में छतरी नहीं जूती नहीं
हम तो उनका सेवक है, पर छत्री जुती हम कैसे धारण करें? अगर मेरे लिए बनाओ ना पहले हर गैया के लिए चार चार जुती और एक छतरी बना दे, फिर मेरे लिए बनाया करेंगे। इसलिए अभी भी आप वृंदावन में जाओगे देखोगे जब कृष्ण बंसरी बजाया करते थे, अभी भी गिरिराज गोवर्धन पहाड़ गोबर में कृष्ण का चरण छाप अभी भी पड़ा हुआ, अभी भी पड़ा हुआ है। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर, कृष्ण जब सखाओं के साथ में वृंदावन में प्रवेश करते हैं, सखा लोग कन्या की जय जयकार करते थे, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की। इसलिए यहाँ पर कहते देखो ये वृंदावन का भाग्य तो देखो, कृष्ण जब वृंदावन में चलते हैं तो जो घास है ना, बोले घास नहीं जैसे उनके रोंगटे खड़े हो गए, बोले झरना नहीं जैसे प्रेम में आंखों से आंसू बहती है, ये वृंदावन धाम अपना आंखों से आंसू को प्रवाहित कर रहे हैं। ऐसे वृंदावन के धाम की महिमा जब पहला चेला ने ये श्लोक को बोला ना, सुखदेव गोस्वामी का निराकार निर्विशेष वो ब्रह्म ज्योति को ध्यान कर रहे थे, लेकिन ये श्लोक जब उनकी कान में पड़ी, श्री सुखदेव गोस्वामी तो पागल हो गए और सारे ब्रह्म ध्यान ज्ञान को छोड़कर बाहर निकल गए। बोले भैया ये श्लोक तुमको कहां से मिला? बोले हमारे गुरु जी बोले मेरे का कहीं मेरी तोता उड़ते हुए चला गया, बोले तोते के पकड़े में ले आओ, बोले ये श्लोक सुन करके अपनी आप जो पकड़े में आएगा वही मेरा तोता। बोले भैया मैं वही तोता हूँ। कहते मैं वही तोता हूँ। देखो हाँ देखो ध्यान देखो सुनो, कहते जगत में तो बहुत सारी देवता है लेकिन हम कृष्ण भक्ति क्यों करें, कृष्ण भक्ति हम क्यों करें? ये श्लोक में बहुत अच्छी बात बताया। उदाहरण दिया जैसे आप किसी लड़की को कहीं शादी दिलाना चाहते हो, आप देखना सबसे पहले भले ही कोई चीज नहीं देखो वो कैसे सुंदर पहले देखोगे, बोले भैया बेटा आपका पर्सनालिटी बड़ा सुंदर है, बेटा देखने में सड़क सुंदर है, सबसे पहले ही देखोगे ना। इसलिए कृष्ण जैसे सुंदर दुनिया में कोई नहीं, हाँ उनके जैसे दुनिया सुंदर कोई नहीं, सबसे सुंदर कृष्ण। फिर दूसरा चीज क्या देखोगे? बोले बेटा देखने में तो सुंदर, कोई काम धाम करता भी नहीं, ऐसे नहीं बेटी को शादी देकर भूखी तो नहीं रह जाएगी। इसलिए दूसरे चेला ने पूछ लिया, भैया बाकी बिहारी की देख छटा मेरा मन है के लटा बटा, लेकिन है तो बड़े सुंदर लेकिन काम धाम कुछ करता कि नहीं। दूसरा चेला ने दूसरा श्लोक बोल दिए, बोले जयति तेधिकम जन्मना प्रजा प्रयत इंदिरा सर्वशास्त्र दैत दीक्षिता चरण की सेवा करती है। बोले एक लक्ष्मी नहीं ब्रह्मा कहते हैं लक्ष्मी सहस्र शत सब ब्रह्म सद्यमानम, जहाँ पर हजार हजार लक्ष्मी जिसे वृंदावन धाम में झाड़ू लगाती है। भैया बेटी को शादी दोगे ना एकदम ठाड़ बार रानी रानी बनकर के तुम्हारी बेटी रहेगी, शादी करना तो कन्या से शादी करो। फिर तीसरा प्रश्न किए, भैया उनका परिवार कैसे? ऐसे नहीं सास ससुर इतने लड़ाकू हो, ननद देवर इतने लड़ाकू हो, ऐसे नहीं बेटी घर बार छोड़कर तो नहीं आ जाएगी। चौथा तीसरा प्रश्न क्या उनका परिवार कैसे? बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उसको पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब क्या? सबको जो आनंद दे। बोले भैया का नाम जसोदा, जसोदा मतलब सबको जो चस दे। बोले भैया का नाम, बोले दाऊ भैया। वाह परिवार बड़े सुंदर परिवार है। हाँ देखो चौथा प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण, बेटा देखने में सुंदर, पैसा कमाता है, कभी नहीं, परिवार बढ़िया, लेकिन उसका नेचर क्या है? ऐसे नहीं दिन भर पी पा करके पड़ा रहता है और पी कर घर में आकर मारना शुरू कर दिया, डंडा मारना शुरू कर दिया, बात बात पर क्रोध में एकदम तना रहता है। इसलिए चौथा प्रश्न करते हैं उसका नेचर कैसे? इतने में चौथा चेला बोल के बोले भैया नेचर सुनना चाहते हो? वो इतने दयालु है ना दुनिया में,
ऐसे दयालु कोई नहीं। चौथा चला चौथा श्लोक पढ़ दिया, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासयापि असाध्य। वो इतने दयालु, इतने दयालु है। कैसे दयालु है? बोले पुतना जब मारने के लिए कृष्ण को गई थी, पहला नंबर पुतना पूतना जो अपवित्र, दूसरे नंबर में राक्षस थी, तीसरे नंबर में बच्चों का खून पीती थी, चौथा नंबर में भगवान के लिए बीस लेकर गई थी मारने के लिए। लेकिन हमारी कन्हैया इतने दयालु, एक सेकंड के लिए उन्होंने जो एक नाटक की, बोले भैया जसोदे इतने सुंदर लाला को थोड़ी पलने में झुला गए, उसको तो गोद में लेकर प्यार करनी चाहिए। उसने एक सेकंड के लिए मैया की भाव से देख लिया। कृष्ण इतने दयालु, उनने सब चीज को उनके भूल गए। बोले गुना अवगुना प्रभु देखो ना ताऊ, ठाकुर जी किसी के अवगुण के प्रति नजर नहीं, उनको थोड़ी सी कोण में देखा करके उसको गोलोक वृंदावन में ढाई मैया के स्थान भगवान देखा। उनको इतने उच्च पोष दे दिया ठाकुर जी, इतने कृष्ण दयालु। इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी पागल हो गए, हाथ उठा करके कम्बा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे कृष्ण को छोड़कर हम किसको भजन करें? भजन करें तो कन्हैया को करें, और किसी सब को। अगर आप दूसरे देवादेव को पूजा करते हो ना, अगर तुम्हारी पूजा में थोड़ी सी इधर उधर हो गई, वो देवादेवी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, एकदम उल्टा झट गया। कोई भी देवादेवी हो, थोड़ी सी जैसे ब्रजवासी इंद्र को पूजा करते थे हम सुनेंगे, लेकिन जब ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा छोड़ करके जब उन्होंने गिरिराज को पूजा की, इंद्र ने क्या किया? 7 दिन तक मूसलाधारा में बारिश करा, बोले ब्रजवासियों खत्म कर दूंगा। तो दूसरे इंद्र कौन है? सारे देवादेवियों का राजा है। लेकिन कृष्ण भक्ति राम भक्ति करोगे ना, अगर तुम्हारी पूजा भी इधर उधर हो जाएगी करोगे नहीं, वो कुछ भी नहीं बोलेगी। बोले क्यों? कहते हम जिसकी बच्चे है ना, कहते तुम्हें वो माता चो पिता तुम्हें, वो हमारे पिता माता है। बच्चा अगर भैया की गोद में टाटी में सांप कर दे, भैया फेंक देती है, साफ सुथरा कर देती, उसको साफ सुथरा कर देती है। उसी तरह कृष्ण राम ये हमारे पिता माता है, इसलिए अगर उनकी भक्ति पूजा में कोई गड़बड़ी होगा कुछ बोले नहीं, मेरा बेटा है, बेटा मेरा है। देखना बेटा कितने नालायक हो जाए बेटी, लेकिन माँ के हृदय कितना रहती नहीं, मेरा बेटा है। लेकिन दूसरे देवादेवी से हमारा कोई मतलब नहीं। इसलिए थोड़ी सी अगर रावण का नाम सुने हो, कौन कौन सुने रावण का नाम? उसने 10 बार सर चढ़ा करके दे दिया, 10 बार सर को चढ़ा करके उसने दे दिया, लेकिन देखो लंका समेत खत्म। दूसरे देवादेवी का कोई भी देवादेवी को देख लो, जिन लोगों ने पूजा की थोड़ी सी संतुष्ट, थोड़ी इधर हुआ तो खत्म। लेकिन अब राम की भक्त देखो, कृष्ण भक्त देखो, भगवान कहते हैं अर्जुन कौनते हैं भक्त प्रति, मेरे भक्तों का विनाश नहीं, मैं अपना भक्तों को रक्षा करता हूँ। इसलिए यहाँ पर कहते भैया भक्ति करो ना, वो बांके बिहारी की भक्ति करो, कृष्ण भक्ति करो, अगर उल्टा पुलटा होगा तो तुम्हारी उल्टा पुलटा ठाकुर जी लेके नहीं, वो हमारी पिता माता। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी आए, और आए तो श्री व्यास देव जी पूरी उनको ये भागवत ग्रंथों ने पूरी उनको भागवत ग्रंथ पढ़ाए। यदि जो कथा है ये किसकी कथा है? बोले भागवत का जो वक्ता कैसे? बोले भैया भागवत का श्रोता कौन? बोले भैया श्रोता भी साधारण नहीं, ये परीक्षित महाराज। जब परीक्षित महाराज मातृ गर्भ में थे, अस्वस्थ माने ब्रह्मास्त्र को प्रयोग किया उसको मारने के लिए, इतने में उतरा जी सीधा कृष्ण शरण में चली गई। बोले हे प्रभु मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पेट में जो पांडवों का जो अंतिम जो धरोहर है, अगर ये अगर मर गया तो पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। हे प्रभु मेरे बच्चों को प्राण दो। ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करते ही, प्रवेश करते हुए कथा घुमा घुमा करके ब्रह्मास्त्र का तेज उन्होंने निस्तेज किया, और उन्होंने परीक्षित महाराज को प्राण दिया। गर्भ में उन्होंने देखा था ठाकुर जी को, इसे जन्म होते ही वो सबको परीक्षा कर रहे थे, जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहे थे, मेरे कृष्ण कहाँ है, वो काले काले मुरली वाले कहाँ है, वो सबको परीक्षा कर रहे थे। इसलिए इनका नाम पड़ गया परीक्षित, नाम पड़ गया श्री परीक्षित महाराज की। मतलब जिन्होंने मातृ गर्भ में श्री ठाकुर जी का दर्शन किया है,
अभी कृष्ण हस्तिनापुर में, जब जब कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयारी होते थे, पांडव लोग कुछ ना कुछ उन्होंने बहाना बना देते, बोले प्रभु और दो चार दिन हो गया। युधिष्ठिर महाराज कहते, कन्या जब विपत्ति पड़ी तुमने तो हमारे साथ में रहा, संपत्ति में कुछ तो सेवा ग्रहण करो, और थोड़ी दूर रुक जा। रुक गए। फिर जब जाने के लिए तैयारी हो, भीम आ जाता है, बोले क्या बड़े भैया के बात रखू, तो छोटे भैया की बात नहीं रखोगे, और कुछ इधर रुक जा। फिर जब जाने के लिए तैयारी, अर्जुन आ जाए, बोले प्रभु भैया बड़े भैया का बात रखोगे, मेरे लिए कृष्ण को निकलने नहीं दे रहे। एक दिन मैया कुंती आकर के ठाकुर जी को स्तुति कर रहे थे, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बोले प्रभु जगत में वे लोग बड़े श्रेष्ठ हैं जो कृष्ण को भक्ति करते हैं, बल उनसे बड़े श्रेष्ठ कौन, बल कृष्णाय वासुदेवाय, बल उनसे श्रेष्ठ असली वसुदेव है। बोले क्यों श्रेष्ठ है, बोले जगतपति जगन्नाथ तुम हो, लेकिन पिता किसको बनाया, बोले वसुदेव महाराज को पिता बनाया, जगत का पिता तो तू हो, लेकिन पिता तुमने किसको बनाया, श्री वसुदेव को। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन, बोले देवकी। बोले क्यों, बोले विश्व ब्रह्मांड तेरे गर्भ में, लेकिन तुमने जब गर्भ में आए, किसकी गर्भ में पेट में आए हो, देवकी के गर्भ में आए, इसका मतलब है बोले पिताजी से माता की शोभा भी करता है। कहते संतान के ऊपर में पिता की जितने उनकी अधिकार है, उससे ज्यादा अधिकार किसकी, बोले माँ की। माँ की क्यों, गर्भ में कौन धारण करती है बच्चे को, माँ ही गर्भ में धारण करती है, इसलिए पिताजी से माता की सौभाग्य ज्यादा बताए। लेकिन उनसे श्रेष्ठ कौन है, बोले नंद बाबा मैया यशोदा। बोले क्यों, कृष्ण तो मथुरा में कंस के कारागार में प्रकट हुए, लेकिन उनको पल्ला में किसने झुलाया, दूध किसने पिलाया, उनको ठुमुक ठुमुक करके चलाना किसने सिखाया, उनको उत्सव कहाँ पर हुए, जिन्हें कहते ना जीवो श्याम लाला जीवो श्याम लाला खिली तेरी पगड़ी रंग काला, जीवो श्याम लाला जीवो श्याम लाला खिली तेरी पगड़ी रंग काला, I'm not afraid of the dark.
बोले तुमसे श्रेष्ठ कौन है? बोले ब्रज की गोपियां, क्योंकि कृष्णा रास किसको साथ रचाए? बोले गोपियों को साथ में प्रभु रासलीला की, इसलिए उनसे गोपियां श्रेष्ठ है। बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं। बोले किसकी चरण की सेवा करते हैं? बोले श्री राधा रानी की सेवा करती हैं। इसलिए मैया कुंती कहती है प्रभु जगत में तुम्हारे भक्त तो सब दुनिया में सबके सब है, लेकिन तुमसे सब तुम्हारे सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? बोले श्री किशोर जी। इसलिए वृंदावन में जाओ तो इसलिए किसी का नाम नहीं लेते, केवल एक का नाम लेते हैं। किसका नाम लेते हैं? राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से राधे राधे। और जोर से राधे राधे। वृंदावन में श्री राधा जी का नाम। बोले भैया राधा जी का नाम क्यों लेते हैं, कृष्ण नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामि भक्ति उत्तमम। अगर कोई राग कर कोई बोल दिया, मैं सोच में पड़ जाता हूँ भैया उसको धूं तो धूं क्या, लेकिन ये रा अक्षर की इतने महिमा कृष्ण कहते हैं विश्व ब्रह्मांड में, ये रा अक्षर का विनिमय में कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ रह ही नहीं जाता है, फिर खुद को खुद में उसको दे देता हूँ। अगर कोई धा बोल दे, रा और धा ये दो अक्षर बोल दे, कृष्ण कहते ये दो अक्षर सुनने के लिए बोले पश्चात धावी श्रवण विभाग, उसको सुनने के लिए उसको पीछे 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 में घूमता रहता हूँ, वो जिधर चलता है ना मैं उसको पीछे पीछे चलता हूँ। जगन्नाथपुरी में एक देवदास था, देवदास जानता हूँ, जो जिंदगी में जो लड़कियां कभी शादी नहीं करती और भगवान को ही अपना पति मानती है, जिंदगी भर ब्रह्मचर्य पूर्वक सारा जीवन रहती है, भगवान भी अपना पति मानती है और जिंदगी पूरा उनकी सेवा में दे देती है, उनको देवदासी देती है। ये देवदासी एक समय बैगन तोड़ रही थी और जगन्नाथ जी का भजन गा रहे, और जिस भजन में श्री किशोर जी की राधा जी की महिमा, इतने में जगन्नाथ जी को जो मंदिर में सुलाया था ना, वो जगन्नाथ जी मंदिर छोड़कर भाग गए और उसको पीछे 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 ठाकुर जी भजन सुन रहे थे, उसको पीछे पीछे चल रहे थे। ठाकुर जी के शरीर में जो पीताम्बर था वो कांटा से सब जैसा पीताम्बर कट गया, शरीर में भी खोरच आ गई। भजन खत्म होने पर ठाकुर आए चुपचाप सो गए, सब पुजारी उठे, देखा ठाकुर का सारा शरीर में खोरच पड़ा हुआ और कपड़े सब पीताम्बर सब फटे हुए, लेकिन पुरी का राजा बड़ा भक्त था, राजा जी को बोला बोले ठाकुर जी को देखो नया कपड़ा पहनाया, देखो ठाकुर का क्या हालत है। अब राजा आकर के ठाकुर जी के चरण में गिर पड़े, ठाकुर जी ये क्या हुआ? ठाकुर जी बोले देखो चिंता मत करो, मेरे कोई भक्त थी वो गीत गोविंद जिसमें राधा रानी की महिमा उसको गा रही थी, और जहां पर श्री राधा जी का नाम हो मैं तो रह ही नहीं सकता, मेरे को वहां जाना पड़ता है, इसलिए कोई चिंता मत करो, बड़े दिनों में श्री राधा जी के मैंने कीर्तन सुना है मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए चिंता मत करो। फिर जगन्नाथपुरी में राजा ने वहां पर प्रचार किया, बोले खबरदार ये भजन को जहां था मत गाया करो, तब भी ये भजन को गाओ जब वहां पर ठाकुर जी कृष्ण हो जगन्नाथ जी हो, वहीं पर ही ये भजन को गाए, जहां था ये भजन को मत गाए, मना कर दिया। लेकिन अभी भी जब वो भजन को तभी गाते हैं जब वहां ठाकुर जी हो, क्यों? नहीं तो ठाकुर जी को भाग भाग करके जाना पड़ता है। देखो मैं वो भजन का दो लाइन गाता हूँ, यहाँ ठाकुर जी खड़े हैं ना, कृष्ण खड़े वहां पर हमारे ठाकुर जी खड़े हैं, इसलिए ठाकुर जी को कहीं भागने का कहीं जरूरत नहीं, मेरे पीछे पीछे दो लाइन दोहरा लो, ठीक है? बोले जय जय दे बाहरे, जय जय दे Oh,
आप नहीं बोलिए, इनकी भी अंतिम इच्छा है ठाकुर का दर्शन करते करते इनके नाम लेते लेते अंतिम विश्वास का त्याग लो। ठाकुर जी ऋषियों के साथ में गए, ठाकुर जी भीष्म को ऊपर पे भी कृपा की, लेकिन जब कृपा कर रहे थे ना, इतने में पितामह भीष्म को बोले ये पांडवों को कुछ अच्छी अच्छी बात बताओ। पितामह भीष्म थोड़ी सी बात बोल दी, बोले देखो युधिष्ठिर समर्थ रहते हुए कभी भी अन्याय सहन नहीं करनी चाहिए। इतना सुनते ही द्रौपदी भी खड़ी थी, वो तो मुंह में कपड़े रखकर घसना शुरू कर दी। पितामह भीष्म बोले बेटी तू हंस रहे क्योंकि कोई बात नहीं। बोले नहीं, तुम सत्य साथी नारी हो, जो सत्य साथी नारी होती है हजूर का बिना कारण कभी हंसती नहीं, उनके हंसने का भी कोई कारण होता है। बेटी बताओ तुमने हंसी क्यों। बोले पितामह जी आप अभी बता रहे हो समर्थ रहते हुए कभी अन्याय सहन नहीं करनी चाहिए, जिस समय भरी सभा में मेरी वस्त्र हरण हो रही थी आप फेंक दी। बोले हाँ था। बोले सबसे बड़े आप हैं, आपका मुंह से एक बोली निकल जाती ना दुशासन का हिम्मत नहीं था मेरे वस्त्र को स्पर्श करे, लेकिन आप भी चुपचाप वहां पर बैठ बैठ कर देख रहे थे ना। बोले हाँ। बोले आप तो अभी तो बड़े बड़े उपदेश दे रहे, समर्थ रहते हुए अन्याय सहन नहीं करनी चाहिए, तो उस समय क्यों नहीं बोले। बोले बेटी ये दुष्ट दुर्योधन का अन्न खा खा करके मेरा बुद्धि गंदा हो गया था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विषैर अन्न खाइले मलिन है मन और मलिन हैले मन ना है कृष्ण के स्मरण। देखो अगर सच उपाय से पैसा कमा के अगर वो पैसा को अगर ठाकुर को भोग लगाकर खाओ ना बुद्धि सही रहेगी, अगर दुष्कर्म करके पैसा कमाएंगे उल्टा पुल्टा काम करके उसको खाने से बुद्धि कभी सही नहीं होगी। ये श्री पितामह भीष्म कहते हैं, इसलिए अन्न तभी खानी चाहिए, कैसे बड़े शुद्ध अन्न भोजन करो तभी उसमें तुम्हारी बुद्धि सही रहेगी और भगवान की भजन भी कर सकते हो। इसलिए उल्टा पुल्टा करना, जैसे खाओगे अन्न वैसे में निगाह मन, इसलिए शुद्ध अन्न खानी चाहिए। इतने में बोले प्रभु मेरी अंतिम इच्छा है आप सामने खड़े हो जाओ, आपका नाम को लेते लेते आपका चरणों को हृदय में धारण करते हुए आपका दर्शन करते करते मैं अंतिम श्वास को त्याग दूं। ठाकुर जी सामने खड़े, पितामह भीष्म ठाकुर जी के नाम लेते लेते अंतिम श्वास को त्याग दिया और उसको देख करके ना सारे देवता लोग हैरान हो रहे थे। बोले क्यों हैरान हो रहे थे। बोले जनामा जनामा मोनी जाता ना कराई, जनमा जनमा करेंगे। प्रहलाद कहता है तुम्हारे पास में कोई घर टिकट रखा हुआ है, आप न्यूज पेपर पढ़ के तो देखो कैसे कैसे हमने घर से यहाँ से आए, हम घर में सुस्त रूप में पहुंच सकते, कोई बोल सकता है यहाँ पर हमने जो श्वास छोड़ा है दूसरा बार भी श्वास ले पाएंगे, कोई यहाँ बोल सकता है, नहीं बोल सकता है।
तब उन्होंने बोले नहीं तो अगली जीवन में करेंगे। बोले भैया दुर्लभ मनुष्य जन्मम, भगवान तो ये मानव शरीर 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार ये मानव शरीर देते हैं, ये शरीर बहु बार बार नहीं देते हैं, मरने के बाद भक्ति नहीं करेंगे तो ठाकुर एकदम मानव शरीर देंगे नहीं ठाकुर जी। बोले जैसे खाए पिए और मर गए, जानवर भी खाते पीते बच्चे जन्म देते हैं, स्वर्ग देखो 10-10, 15-15 बच्चे दे करके एक महीना में बड़े कर देते हैं। बोले जाओ जानवर जन्म नहीं जाओ, क्योंकि तुमने तो भजन नहीं किया, 84 लाख जीवन में मानव शरीर दिया, जिस जीवन में तू राम राम कृष्ण कृष्ण बोल सकते हो इसमें तो कुछ किया ही नहीं, जाओ उसी जीवन में जाओ। इसलिए भगवान नहीं देंगे मानव शरीर, प्रहलाद कहता है कि जब बचपन से क्यों भक्ति कर, ये चीज को समझो। वो उदाहरण देते हैं जैसे मिट्टी जब कच्चा बना, देखना कच्चे मिट्टी से जो कुछ बनाना बना सकता है, मिट्टी जब पक जाती है फिर उससे कुछ बनती है, बताओ पक जाने पर बनती है, वो बनेंगे नहीं। जैसे कोरे कागज, उसको ऊपर में जो लिखना तो लिख सकते हो, लेकिन कागज के ऊपर एक बार लिखने का बाद उसको अगर दो बार लिखने के लिए जब पौधेगा तो नहीं जाएगा। जैसे पौधा जब छोटा होता है आप एक जगह से उठा करके दूसरी जगह से लगाओ और जम जाएगा, लेकिन उसका जड़ जब ज्यादा गहरा में चली जाती है फिर उखाड़ करके कहीं जम सकती है नहीं। फूल जब खिला हुआ हो उसको ठाकुर जी के चरण में चढ़ा सकते हो, लेकिन फूल जब मुरझा जाती है फिर वो ठाकुर जी के चरण में चढ़ती है नहीं चढ़ती है। लेकिन हम कहते भैया रिटायर्ड लाइफ में भजन करेंगे, भैया सरकार रिटायर्ड क्यों करता है, देखता है जब 8-10 घंटा तुम बैठ कर काम नहीं कर सकते हो। बोले भैया जो कुछ होना तेरे हो गया, घर में वापस जाओ और तेरे से कुछ होने वाले नहीं, इसलिए तब उन्होंने भेज देते घर में चले जाओ। जब साधारण काम से तुमने रिटायर्ड हो गए, बोले भैया भगवान की भजन क्या करोगे, भक्ति क्या करोगे हैं, इसलिए उन्होंने अंतिम उपदेश देते हैं। देखो बहुत अच्छी बात बताए, बोले बच्चों तुम लोग कहते हो बुढ़ापा में भजन करोगे, बोले बच्चों देखो सुनो, मानो एक व्यक्ति 100 साल जिंदा रहेगा, दिन आधा रात आधा, आधा रात तो 100-100 करके बीत जाते हैं, मतलब 100 साल में 50 साल गया, अभी कितना साल बाकी रह गया 50 में बचपना 10 साल में बीत जाते हैं, खेल कूद करते हुए बच्चों का बचपना चली जाती है, कितना हो गया 50-10 कितना हो गया बता, 50-10 कितना हो गया 60। अभी पढ़ाई लिखाई के लिए कितना साल, 25 साल कम से कम, कोई भी सब्जेक्ट लेकिन इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बनो 25 साल से कम नहीं लगती है। 25 साल में कितना हो गया 50-25 कितना हो गया 75, अभी कितना बच्चा 25, 25 साल, 80 साल से लेकर के 100 साल तक जो जिंदगी है किसी काम की नहीं रह जाती। यहाँ पर कोई हो जो 80 साल के हो, अब तो 100 साल कोई जिंदा ही नहीं रहते, उसको पहले राम नाम सत्य हो जाते हैं, वो 100 साल के हिसाब दे रहे हैं। आप देखना बुढ़ापा में आंख देखना कम हो जाती है, कान में सुनाई नहीं पड़ती, कमर टेढ़ी हो जाती है, बैठ गई तो उठने का हिम्मत नहीं रहती। देखो ना दिन भर आज आंख खराब, कल गला खराब, पिछले दिन कान खराब, चौथे दिन कमर खराब, देखना केवल शरीर ही चिंता करते करते बुढ़ापा में केवल शरीर चिंता होती है, एक एक नई 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 रोज नई नई बीमारी आती है, उसका तो 20 साल ऐसे बीत जाते हैं, बीच में 5 साल रह गए। अब देखना बच्चों को शादी करवाना, घर बनाना, गाड़ी बनाना, कितने कितने काम हमारी मन में, कितने कितने 100 साल की हो गए ना, देखना 200 साल का प्लानिंग बना के बैठा हुआ, ये करना वो करना वो करना। प्रहलाद ने कहा बच्चों ये बताओ भजन कब करोगे, भजन कब करोगे। जैसे कोई बच्चा हो, उदाहरण दिया दो बच्चे थे, एक बच्चा तो साल भर पढ़ता है, लेकिन एक बच्चा बोलता भैया तू पढ़ लो थोड़ा, अरे अभी क्या पढ़ना, पेपर आएगा तो पढ़ लेंगे, अभी 6 महीना चली गई, बोले बच्चा अभी तो कम से कम पढ़ लो, पास करने का नंबर तो आ जाता है, बोले चिंता क्यों करता हूँ जब पेपर आएगा पढ़ लेंगे, अभी रह गया 2 महीना, बोले बच्चे थोड़ा बहुत तो पढ़ लो कम से कम पास, बोले चिंता क्यों करता हूँ पेपर आएगा, अभी 1 महीना रह गया, बोले भैया थोड़ा सा पढ़ लो, बोले अभी क्या पढ़ेंगे, अभी क्या, अभी तो खेलो कूदो, अभी रह गया 15 दिन, बोले भैया थोड़े से पढ़ लो, बोले चिंता क्यों करते हो, अभी रह गया 10 दिन, रह गया 5 दिन, अगर तुम्हारे 10 दिन 5 दिन रहोगे आप
एक पूरा साल की कोर्स को 10-5 दिन पढ़ सकते हो? आप बता पढ़ सकते हो क्या? नहीं पढ़ सकते हो। उसी तरह जो चीज बचपन से आप आदत नहीं डालोगे ना, बुढ़ापा भी वो चीज कभी नहीं आएगा। आप स्वयं देख लो, समझो 10 मिनट हम बैठेंगे, थोड़ी सी ठाकुर जी का स्मरण करेंगे। आप 10 मिनट बैठेंगे, एक मिनट भी मन में ठाकुर नहीं आएंगे, एक मिनट भी नहीं आएंगे। क्यों? चिंता पर जो रील में भरा हुआ ना कचरा, वही कचरा ही आएगा। आंख बंद करके बेटा बेटी नाती पोती दुनिया मकान आएगी। 10 मिनट में एक मिनट भी प्रभु का चरण में नहीं दे सकते। क्यों? जिंदगी भर जो आदत डाले ना वही आएगा। देखो गोस्वामी जी इसी बयान यही चीज समझा रहे हैं, बोले जनामा मोनि जाता ना कराई। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जत्न करते हैं, आंतरा अमक कही, तभी अंतिम समय में राम का नाम निकलेगा। बोले अंतर राम कही तेरे आग का नहीं, तेरे संसार में उसका आना नहीं पड़ता। ये एक अर्थ होता है। दूसरा अर्थ होता है जन्म जन्म मुनि जतना कराई। जब मुनि लोग जन्म जन्मांतर तक जतन करते हैं, बोले अंतराम कही तभी भी अंतिम समय में प्रभु का नाम नहीं निकलती है, प्रभु के नाम नहीं आती है, सारा दुनिया की याद आती है, हैं? इसलिए पितामह भीष्म जब अंतिम समय में ठाकुर जी को स्मरण किया, सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए। बोले भैया ठाकुर को दर्शन करते करते अंतिम श्वास त्याग दी, सारे देवता लोग स्वर्ग से पुष्प की बौछार करते हैं। बोले श्री पितामह भीष्म की कृष्ण अभी द्वारका में गए, कृष्ण जब द्वारका में गए, अभी बड़ा दिन हो गया द्वारका से वापस नहीं आ रहे। एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े अपशगुन देख लिया। बोले क्या अपशगुन को देखा? देखा ये कलयुग जैसे आ रहा है। बोले कैसे कलयुग? जरा ध्यान देकर सुनो। एक समय दो व्यक्ति लड़ते लड़ते आ, लड़ने का विषय था एक व्यक्ति को जमीनी बचा। वो व्यक्ति जब खेती कर रहा था, जमीनी से एक सोने की कलश निकली, जिसको बेचा था। बोले देख भैया ये जमीनी तुमने मेरे को बेचा था, ये सोने की कलश नहीं बेचा, लो ये कलश ले लो। बोले मैं क्यों लूं? मैं जब तेरे को बेच दिया जो कुछ निकलेगा तेरा, भैया मेरा नहीं, तू ले। अभी वो सोने का कलश कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं। अभी वो लड़ते लड़ते युधिष्ठिर महाराज के पास में आए। युधिष्ठिर महाराज बोले देखो तुम दोनों कल आना, आज मैं बिजी हूँ, कल ये बात का मीमांसा मैं करूंगा। लेकिन दूसरे दिन फिर दोनों लड़ते लड़ते आए। बोले लड़ाई का विषय क्या था? जिसने जमीनी बेचा था उसने कहा भैया मैं तेरे को जमीनी बेचा था, इस सोने के कलश नहीं बेचा, इसमें मेरी अधिकार। जिसको बेचा था बोले भैया तू जो बेच दिया उसमें जो कुछ निकलेगा मेरा है ना, तू कैसे लोगे? एक दिन पहले कोई लेना नहीं चाह रहे थे और दूसरे दिन दोनों ही लड़ते लड़ते आए, इसमें अधिकार हमारे। युधिष्ठिर महाराज देखे भैया एक दिन में इतने परिवर्तन कैसे हो गया? बोले परिवर्तन क्यों आया? बोले एक दिन पहले कृष्ण थे, इसलिए कृष्ण जब थे पूर्ण ब्रह्म धर्म चार चरण में था। लेकिन जब कृष्ण चले गए तो कलयुग आ गया। कलयुग में यही चीज होने वाली है, हैं? घर में लड़ाई झगड़ा, भाई भाई बहु बहु देश देश में लड़ाई होने वाले हैं। वो समझ गए भैया कुछ गड़बड़ी, दाल में कुछ काला है। इतने में देखा अर्जुन को आते हुए पूरा चेहरा लटका हुआ। बोले अर्जुन क्या हो गया? बोले कृष्ण ये दुनिया छोड़कर चले गए भैया। अरे कृष्ण का स्मरण करते करते रो रहे थे। बोले भैया याद है कृष्ण हमें कितने विपत्ति से उद्धार किया, हैं? ये द्रौपदी को पाना कोई साधारण बात नहीं था। द्रुपद महाराज ने बोला था नीचे रहेगी तेल की कढ़ाई, ऊपर में मछली घूमेगी, मछली की परछाई को देख करके उसको आंखों में निशाना लगाना पड़ेगा, जो काम कोई नहीं कर पाए। नहीं नहीं वो काम किया था, ये कृष्ण की कृपा थी। बोले भैया याद है? बोले किसी बात की? बोले आप जब जुआ खेल रहे थे, शकुनी कपट जुआ खेल करके पहले राज्य को ले लिया, उसके बाद में भाई लोगों को भी दाव में लगा दे, भाइयों को भी ले लिया,
उसको बाद में बोले देखो तेरे पास में सबसे बड़ा बहुत बड़ा रत्न है, बोले कौन सा, बोले द्रौपदी, उसको भी लगा दो। उन्होंने द्रौपदी को भी लगा दिया, उसको भी ले लिया। दुर्योधन ने कहा दुशासन अभी द्रौपदी राज रानी नहीं, ये हमारी नौकरानी, जाओ द्रौपदी को पकड़ करके ले आओ। जब पकड़ करके ले आए बोले दुष्टा तो मेरे को कहा था अंधा का बेटा अंधा होता है, कभी मजा चकाता हूँ, बोले इसको विवश करके मेरे जंगे के ऊपर बैठा दो। जिस समय उसने उनको विवस्त्र करना चाह रहा था उतने में द्रौपदी दोनों हाथ उठाते हुए हे गोविंद राज शरण अब तक जीवन हरी, हे श्याम सुंदर तो अभी तुम रक्षा करो, अभी तो मैं हार गई हूँ। जब दोनों भुजाओं को उठा करके कृष्ण को स्मरण किया, कृष्ण स्वयं वस्त्र बन करके आ गए। दुनिया देखते रह गया भैया साड़ी बीच में कोई नारी न नारी की कोई साड़ी बनी हुई। 10,000 साड़ी समाप्त नहीं हुआ, 10,000 हाथी की ताकत समाप्त हो गई। बोले भैया आपको याद है, बोले हाँ याद है, कृष्ण कैसे हमें विपत्ति से रक्षा किया था। देखो अध्याय देखो सुनो, ये कुंती उत्तरा को कह रहे हैं, उत्तरा कौन, परीक्षित महाराज की माँ। देखो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं ये कुंती, ये द्रौपदी, द्रौपदी कह रही है उत्तरा को अपना बेटे की बहू। अभी मन को अभी ध्यान देकर सुनो, बोले हे उत्तरा ये मेरी अजमाया हुआ चीज है, अगर किसकी शरण में जाना ना गोविंद की शरण में, कृष्ण शरण में जाओ। बोले क्यों, बोले ये मेरी अनुभूति है। बोले क्या अनुभूति है, बोले पहले मेरे अंदर में बड़ी अभिमान थी, मैं ठीक हांती थी, मेरे 5-5 पति है। उसी समय भीम से सर्वश्रेष्ठ गदाधारी अर्जुन जैसे गांडीवधारी दुनिया में कोई नहीं थे, नकुल सहदेव तलवार युद्ध में सर्वश्रेष्ठ, युधिष्ठिर महाराज भाला युद्ध में सर्वश्रेष्ठ। जिस समय दुशासन मेरे पास में पहुंचा, मैं सोच रहा था हिजड़ा क्या कर लेगा, मेरे 5-5 पति है। लेकिन जब मेरे घिसट के भरी सभा में ले आया, मैं उनके तरफ में देख रही थी, ये कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, लेकिन सबके सब सर लटका करके बैठ गए, कोई रक्षा नहीं की। अरे मैंने सोचा यहाँ पर पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य इतना कुछ ना कुछ बोले, उनके तरफ में मैंने देखी, लेकिन ये भी चुप बैठे कुछ नहीं बोले। लास्ट में मैंने ये सोचा मैं अपना कपड़े को पकड़ करके मैं स्वयं रक्षा करूँ, दांत तो नीचे कपड़े को दबा करके अपने कपड़े को मैंने पकड़ करके मैंने जोर से रखा था, मैं खुद में बचा लूंगी, लेकिन खुद नहीं बचा पाई। अगर लास्ट में कोई मदद किया ना, केवल भगवान ही मदद किया। इसलिए हे उत्तरा ये जगत बड़ा अद्भुत, हम कहते नहीं हम उसको प्रेम करते हैं, ये दुनिया बड़ा अद्भुत है। बोले आप कैसे हो, तब तक बोले कि जानते हो जब जेब में पैसा हो, जब तक जेब में तुम्हारी पैसा हो ना आप कैसे हो, पैसा गए आप नहीं तुम कौन हो। आप देखना कि दुनिया में हम जो कुछ करते हैं ना दूसरों को खुश के लिए प्रसन्न के लिए, चिंतित भर पति की पत्नी, पत्नी पति की सेवा, बच्चों की सेवा करते हो। आप बताओ अभी तक तुम्हारे ऊपर संसार में कोई खुशी है, आप बोलो कोई है कि बोल दो मेरे ऊपर पत्नी का खुशी, पति का खुशी, बच्चे की खुशी। चिंतित भर दुनिया के लिए करो, इतनी सी कोई भूल चुप होगा ना वो सोचेगा नहीं, चिंतित भर किया बोलेगा तो मेरे लिए क्या किया, एकदम मुंह में निकलेगा तो मेरे लिए क्या किया। इसलिए दुनिया भैया या स्वयं द्रौपदी कह रही है उत्तरा अगर शरण में जा तो ठाकुर जी की शरण में जा। उन्हें दो मुट्ठी चिड़वा दिया सुदामा जी ने, भगवान सोने की महल दे दिया, भगवान की अंगुल कट गई द्रौपदी ने, केवल बैंडेज कर दी कपड़ा को, साड़ी को फाड़ करके। ठाकुर जी सोच रहे कब इसका ऋणी हम चुकाएंगे, कब इसकी ऋणी चुकाएंगे, भरी सभा में कोई मेरे को रक्षा नहीं किया, किया तो ठाकुर जी। इसलिए भैया शरण में जाना है ना केवल कृष्ण शरण में जाओ, वही इसलिए उनका नाम हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, और दीन का बंधु करुणा सिंधु वही विपत्ति में हमें रक्षा करने वाले। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम राम। पांडव लोग ने जब कृष्ण संसार को छोड़े, पांडव लोग को छोड़कर चले गए, जाने से पहले हस्तिनापुर का राजा बना दिए परीक्षित महाराज को,
वृंदावन का राजा बना दिया श्री बज्रनाथ को, एक दिन बज्रनाथ को बना दिए। अभी श्री परीक्षित महाराज राज्य तो कर रहे थे, एक दिन उन्होंने बड़ा अनहोनी देखा, बड़े अमंगल उन्होंने देखा। बोले भैया मेरे देश में अमंगल क्या है? एक दिन उन्होंने चतुरंगिणी सैनिक को लेकर गए, बोले भैया ये अनहोनी कहाँ हो रही है? उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा। हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, उन्होंने दो आश्चर्य घटना देखा। एक घटना तो उन्होंने देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर रो रही है, दूसरी आश्चर्य चीज देखा एक बैल है जो बैल केवल एक पैर में खड़ा हुआ और एक शूद्र राजा वो एक पैर को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा था। इतने में वो गैया तो बड़ी दुखी होकर रो रही थी, बैल भी विष्टा मूत्र को विसर्जन कर रहा था। इसको देख करके परीक्षित महाराज को बड़ा दुख मिला, बोले मेरे देश में इतनी अनहोनी। तो उन्होंने गैया से पूछे भैया तू कौन हो? बोले मैं पृथ्वी हूँ। बोले रो रहे हैं क्यों? बोले कृष्ण चली गए, अब ये कलयुग आएगा, कलयुग में सब लोग बुरा कर्म पाप कर्म करेंगे, इसलिए पाप कर्म को मैं सहन कैसे करूंगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बोले भैया ये बैल को पूछा, बोले भैया तेरे दुख का कारण क्या है? तेरे तीन प्यार गया कहा तू एक प्यार में खड़े हो, तेरे दुख का कारण क्या है? देखो धर्म ने कहा, देखो हाँ देखो ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया। बोले प्रभु मैं किसके किसको दोष दूं? ये जगत में कोई अगर दुख कष्ट आए ना, कहती है किसी की दुख किसकी इसमें किसकी दोष नहीं है, क्योंकि हमने जैसे कर्म करते हैं ना कर्म के अनुरूप हम फल भोग करते हैं। हम कहते हैं ना हमारे लिए उसने ऐसे कर दिया, मेरा उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, इसलिए हुआ। बोले भैया कोई किसी को कुछ नहीं करते, कोई किसी को कुछ नहीं करते हैं। हमने जैसे बीज बोएगा ना वृक्ष तो वैसे होगा ना। अगर हमने चीकू का बीज बोएंगे वहां पर थोड़ी केले का वृक्ष आएगा, अगर केले का बीज बोएंगे वहां पर थोड़ी अकल के वृक्ष आएंगे, जहाँ नीम की बीज बोएंगे वहां पर नीम का वृक्ष आएगी ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कभी किसको पर दोष मत लगाओ, भैया हमने जैसे जैसे कर्म की वो कर्म का फल हम भोग कर रहे हैं। हंसते हंसते अपना कर्म फल को भोग कर लो, हैं? दुख दुख अगर जाएगा तो सुख भी आएगी, रात के बाद में दिन और दिन के बाद में रात भी आती है। इसलिए कभी किसको पर कोई दोष मत लगाया करो, हैं? तब उन्होंने बोले देखो कभी किसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, कभी किसकी बुराई मत किया करो, किसकी निंदा चर्चा मत करो। एक छोटी सी स्टोरी सुन लो। बोले एक समय कोई एक संत किसी राज दरबार में भिक्षा मांगने गए। राजा ने कहा तो काम करके खा नहीं सकते हो, तो भीख मांगने के लिए आ गया। उसने किया क्या, घोड़े का जो लीड है ना पायदान उसको झोली में डाल दिया। लेकिन वो संत बड़े संतोषी संत थे, लेकिन उसको लेकर को अपना आश्रम में चले गए। एक दिन वो राजा भ्रमण करते करते जिस जंगल में वो संत रहते थे एक दिन उन्हीं के आश्रम पर पहुंचे। पहुंचे तो देखा जो घड़े का जो लीड था ना वो बर्फ का आकार में विशाल। बोले भैया यहाँ पर घड़े का लीड इतना कैसे आ गई? जा कर देखा वही साधु। बोले बाबा ये सब क्या है, इतने लीड कहां से आ गए? बोले महाराज आपको याद होगा एक दिन मैं आपका दरबार में मैंने कुछ भिक्षा मांगने गया था, आप बताओ आपने मेरे को क्या दिया था? घोड़े का लीड दिया था ना। जब कोई शुद्ध साधु को कोई चीज देते हो वो कभी घटेगी नहीं, वो बढ़ेगी। एक दिन ये लीड बढ़ते बढ़ते इतना विशाल रूप धारण करेगा, तेरे राज्य में ये लीड के सिवाय और कुछ नहीं रह जाएगा। राजा तो दुखी होकर चरण में गिर पड़े। बोले बाबा अपराध माफ कर दो, मेरी अपराध हो गया, पाप हो गया, बताओ ये खत्म कैसे होगी? बोले एक उपाय है। बोले क्या बताओ? बोले अगर तुम्हारे राज्य में तुम्हारी कोई चुगली करे निंदा करे, जो चुगली निंदा करता है जिसका करता है उसका सारे पाप उसको ऊपर चले जाते हैं। अगर तुम्हारी चुगली निंदा करे ना फिर ये खत्म हो सकती। बोले कैसे करे? बोले तुम्हारे घर में एक बेटी है ना युवती। बोले हाँ। बोले एक काम करो, तुम्हारे घर के सामने जो बगीचा है फूलों की वहां पर एक कुटिया बना, अब तुम्हारी अपना लड़की को जो जवानी लड़की को लेकर कोई पर रहो रहोगे तो दुनिया पूरा निंदा तुम्हारी चुगली करेगी, करेगी तो फिर खत्म हो जाएगी। उसने ठीक वैसे किया, राज्य में घर घर में इसकी निंदा बुराई होने लगती। बोले तुमने सुना है अधर्म राजा क्या कर रहे हैं, अपना बेटी को लेकर अकेला रह रहा है, घर घर में इसकी चुगली।
फिर वो राजा संतों के दरबार में आए, बोले सारे लीड खत्म है लेकिन एक टोकरी बाकी है। बोले बाबा आज तो सारे खत्म हो गया लेकिन एक टोकरी बाकी कैसे रह गई? बोले तेरे देश में एक माता जी जो कभी इसकी चुगली नहीं करती है, दिन भर माला लेकर के ठाकुर का नाम जप करती है, भगवान की सेवा करती है, भक्ति करती है, उसकी हिस्सा की बाकी रह गई। अगर वो तुम्हारी चुगली करेगा ना कि खत्म हो जाएगी। इतने में राजा बोले अगर खत्म नहीं होगा ये जो एक टोकरी बच गई तेरे को खाना पड़ेगा, तभी तक ये खत्म होगी। राजा ने अपना ड्रेस बदलाया और वो माता जी के पास में गए, जाकर के माता जी को देखा, सचमुच से माता जी बैठ करके माला लेकर के एक बार हाथ उठा करके बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। और जोर कर बोलो बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। ठाकुर जी के नाम जप कर रहे थे, आंखों से आंसुओं की झड़ी बह रही थी, राजा का रूप बदला कर गया। बोले माता जी तुमने सुनी है वो राजा क्या कर रहा है? वो सोच रहा था राजा तो चुगली करेगी तो फिर टोकरी खत्म हो जाएगी। इतना बोलते ही माता जी को तो बड़ा क्रोध आ गया, बोले ए दुष्ट राजा मैं अपना भजन का प्रताप से सब कुछ मैं जानती हूँ, तू वही राजा हो, गुरु बदला करके मेरे पास में आए हो, वो संत आए थे तेरे दरबार में, तुमने घोड़े का लीड दिया ना, वो जो एक टोकरी बच गई तेरे को खाना पड़ेगा। मैं कभी किसकी चुगली निंदा नहीं करती हूँ, दिन भर बैठ करके ठाकुर जी का भजन करती हूँ। इसका मतलब है जब हम किसकी चुगली निंदा करते हैं ना उसका सारे पाप हमें भोगना पड़ता। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कहार ना कर निंदा कृष्ण कृष्ण बोले, जो किसी की निंदा चुगली नहीं करते हैं दिन रात ठाकुर की भक्ति करते हैं, बोले अजय चैतन्य सही तारीफ कह ले जिन भगवान को पाना बड़ा कठिन है कि भगवान भी तुम्हारी प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं। अगर जो कभी किसकी निंदा चुगली नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पर जो धर्म उसने बोले भैया तेरे तीन प्यार गया कहाँ, बोले मैं किसको पर दोष दूं, जीव अपना कर्म फल भोग करता है, मैं किस पर चुगली नहीं करती हूँ, मैंने जो कर्म किया कर्म फल मेरे को भोगना पड़ रहा है। परिकित महाराज समझ गए कि धर्म है, क्योंकि धर्म कभी किसकी चुगली नहीं करती है। तब उन्होंने बोले भैया मेरे देश से तू चला जा, बोले नहीं सत्य तृतीय द्वापर तो अपना अपना राजत्व की, अब ये कलयुग आ गया मेरे को भी स्थान देना पड़ेगा। तब परिकित महाराज सोच रहे हैं भैया इसको स्थान दूं कि नहीं दूं, कलयुग में दोष किया और गुण किया, बोले कलयुग में तो दोष ही दोष है लेकिन कलयुग में एक गुण है, बोले क्या गुण है? बोले कलयुग के बलना आधारा कलयुग के बलना Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
लाभ की जय। अभी ध्यान से सुनो, तब उन्होंने कलयुग को स्थान दे दिया। क्यों? कलयुग में एक विशेष गुण है, थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप करने से जीव संसार से पार हो जाएगा, इसलिए उन्होंने स्थान दिया। लेकिन उन्होंने कहां स्थान दिया? चार जगह पर कलयुग स्थान दिया। अगर कलयुग में चार नियमों का पालन करो, ठाकुर का थोड़े से नाम जप करो, हमारी उद्धार हो जाएगी। जैसे उदाहरण दिया, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास हो जाओ जो सचमुच से हमारी बीमारी को सही करना चाहता है, वो बोलेगा देखो दवा तो बहुत बढ़िया दे रहा हूँ, अगर परहेज के साथ में दवा लोगे तो दवा जल्दी असर करेगी, अगर बगैर परहेज के साथ में दवा लोगे जिंदगी भर तो दवा लेते रहोगे, पैसा तो खर्चे होती रहेगी, लेकिन भैया वो तुम्हारी बीमारी सही नहीं हुई है। इसलिए कलयुग में बोले चार ही परहेज है, बोले कलयुग में दवा किया बोले ठाकुर का नाम ही दवा है, और चार ही परहेज, बोले चार ही परहेज किया, बोले पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं स्वयं धर्मराज हूँ, धर्म स्वरूप हूँ, मैंने देखो जुआ खेलकर कितने बड़े सत्यानाश हो गए, राज्य गया, भाई गए, पत्नी को भरी सभा में वस्त्र हरना देखना पड़ा, और 12 साल तक जंगल में रहे, और 1 साल तक विराट राज्य में अज्ञातवास में रहे, कहां मैं धर्म राजा हूँ, धर्म राजा हूँ। मैंने क्या करता था, कंक बनकर के पासा देता था, भीम कितने बड़े बलवान है, इतना बड़ा बलवान कोई नहीं, लेकिन वहां पर बल्लभ क्रोसिया का नाम करता था, कहां अर्जुन सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी, क्या करता था गृहनला बनकर के नृत्य शिक्षा कराया करता था, कहा नकुल सहदेव कितने सुंदर है, घोड़ाशाला में काम करते थे, मतलब जुआ खेलने पर कितना नीचे आ जाते सिखा देते। इसलिए खबरदार, कभी शेयर मार्केट है ना, कभी होता है भाई तो एक तरह का जुआ है, इसलिए ये जुआ जुआ में कभी हाथ मत लगा, जो जुआ ऐसे के सर्वनाश का चीज है ना, आप देखना जो जुआ खेलते हैं वो खेल भी नहीं सकता, खड़े भी नहीं हो सकता है, सोचना और एक दाव लगाओ ना शायद आ जाए, ऐसे करते 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 सब कुछ हार कर आ जाता है। इसलिए खबरदार, कभी जुआ नहीं खेलना, इसको खेलने से सत्य नष्ट हो जाती है, जो जुआ खेलता है वो झूठ झूठ बोलना पड़ता है। दूसरा नंबर बोले पानम, पानम मतलब होता है किसी तरह का नस्ली वस्तु, मतलब जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब, ये सब चीज को नहीं लेनी चाहिए। हमारे संत लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं ना उनको 3 लाभ, कितना लाभ है? पहला लाभ किया बोले वो विधवा को कभी बूढ़ा नहीं बनेगा, दूसरा लाभ किया बोले घर में चोरी नहीं होगी, बोले तीसरा लाभ किया बोले कुत्ते दोस्त, बोले इसका मतलब, बोले इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो, बोले इसका मतलब क्या, पहला नंबर वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, बोले भैया बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहेगा तब बूढ़ा होगा। मेरे पास में कुछ दिन पहले एक माता जी हरिनाम लेने के लिए आई, उसकी उम्र थी 30 साल, मैंने देखकर समझ गया कि विधवा है, बोले भैया तुम्हारी पति कहाँ है, बोले उन्होंने शरीर छोड़ दिया, बोले ऐसे कैसे हो गया, बोले वो पीते थे दोनों ही किडनी खराब, जब उनको चेक किया गई दोनों ही किडनी खराब, हार्ट सब कुछ खराब हो गया था, और कुछ बाकी नहीं था जो जिंदा रहे, इसलिए पी पी करके जो पीते है ना, इसलिए मैं रसिया प्रचार करने के लिए जाता हूँ, ज्यादा ही ज्यादा लड़की लड़की देखता हूँ, बूढ़े लोग तो कम दिखते हैं, इसलिए बूढ़े लोग बहुत कम दिखते। पहले मैंने पूछा भैया इतना लड़की क्यों यहाँ पर है, बोले ये बचपन से ही पीना शुरू कर देते हैं, इसलिए पीते पीते आधा उम्र में खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप लोग, लेकिन अभी ऐसे की कलयुग है ना, झगड़ा का युग है, अगर कोई शादी विवाह हो कोई फंक्शन हो ना, जब तक ये शराब नहीं पीते हो पिलाते हो, बोले कोई शादी हुई है, तुमने मांस नहीं खिलाया शराब नहीं पिलाया, देखो ध्यान देकर सुनो, ये संतों की कहना है। पर जैसे बच्चे का बर्थडे बना रहे हो, वो संत कहते थे भैया जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तुड़वा दिया और इतने जीव हिंसा तुमने करवाया, इतने जानवर मरवाया, वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है? अगर वो 100 साल का होगा ना, झट 50 साल को उतर कर आ जाएगा। बोले क्यों? बोले जिस बच्चे के उद्देश्य में तुम इतने पाप कर्म करा रहे हो, इसलिए कोशिश करना। जैसे देखो जो कथा करवा रहे हैं, देखो खड़े हो जाओ, देखो खड़े हो, देखो देखो जो कथा करवा रहे हैं, देखो खड़े हो जाओ, एक इनकी पत्नी कहीं खड़ी हो जाओ, देखो इनकी जब शादी हुई, देखो ये दोनों का शादी जब हुई, देख लो इनकी जब शादी हुई कोई शराब नहीं पिला है,
कोई मांस नहीं खिलाए, बगैर प्याज लहसुन के, कोई प्याज लहसुन भी उन्होंने व्यवहार नहीं किया, शुद्ध रूप में बना, ठाकुर जी को भोग लगाया, वो भोग प्रसाद उन्होंने सबको दिलाया, जितने दुनिया आए थे सबके सब प्रसाद खा कर गए। भगवान का प्रसाद मतलब क्या आशीर्वाद है, कृष्ण गीता में खुद कहते हैं प्रसाद सर्व दुखानां हनिरस्य उपजायते हे अर्जुन, मेरे को जो भोग लगा कर खाना खाएगा कोई दुख कष्ट जिंदगी में नहीं आएगा, भगवान खुद कहते हैं। इसलिए आप लोग भी शादी विवाह में बच्चे का अगर कोई शराबी आता है बोले बताओ तू, आने का कोई जरूरत नहीं आए थे, ऐसे नहीं हम दुनिया की सर्वनाश कराएंगे, खुद का सर्वनाश दुनिया का सर्वनाश, ये पाप कर्म हमें नहीं करवानी चाहिए। जो नहीं आएगा नहीं आएगा, इसमें क्या होगा, जो आए आए बोले भगवान की भोग लगाकर प्रसाद खिला, जिसमें अपना कल्याण दुनिया की भी कल्याण है। इसलिए यहाँ पर पाप की स्थान है, कर शराब पीने से क्या होता है, कर इसमें जो तपस्या इसमें नष्ट हो जाती है। हाँ देखो और एक चीज है, दूसरा लाभ क्या, पहला लाभ तो बुरा नहीं बनेगा, दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी। बोले भैया चोरी कब होगा, घर में कुछ चीज हो तभी तो चोरी होगी ना, वो तो बेच बाज करके गहना गाटी से बेच बाज कर खत्म, पी पा कर खत्म कर देगा, फिर चोरी कहाँ से होगी, इसलिए चोरी नहीं होगी। हाँ तीसरा लाभ क्या, बोले कुत्ते दोस्त बन जाए, कहीं पी पा करके पड़ा रहेगा अब कुत्ते आकर मुंह चाट जाएंगे तो इसलिए चीज को संत लोग मना करते हैं, ये चीज को हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ देखो और एक चीज देखो, ये जो चाय है ना, ये चाय भी अच्छी चीज नहीं है, ये चाय भी अच्छी चीज नहीं। आप बोलोगे भैया चाय में क्या दोष है, कहते चाय की पत्ती में कोई दोष नहीं, चाय की पत्ती अच्छी चीज है, लेकिन उसमें एक निकोटिन और कैफीन डालते हैं। हाँ देखो पहले ये अंग्रेजी लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए, बड़े बड़ों को पूछ लो, अपना बिजनेस चलाने के लिए पहले आए और बिना पैसा में स्वयं चाप बना बना कर पिलाए, और वो खुद बोलते थे देखो 50 साल से जिसका ज्यादा उम्र वाला पियो, कम उम्र मत पियो, वो खुद बोलते थे, और उन लोगों ने कैसे हमें बेवकूफ बनाया ये चीज को समझो। बोले एक कप जो चाय पिएगा उसको एक रुपया उसको मिलेगा, हम इतने बेवकूफ बने, एक रुपया और एक कप चाय मिलेगा, कुछ दिन बाद में बोले देखो 50 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं 50 पैसा का बड़ी कीमत थी, कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा मिलेगा, बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद में बोले भाई कोई पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पी पी कर हमारा आदत बन गई थी। जैसे शराब जो पीते हैं देखना, जब शराब पीने का समय आए अगर शराब नहीं पी क्या होता है, घबराहट हाथ, जब तक वो शराब नहीं पी ना चैन नहीं पड़ेगी। आप देखना जो चाय पीते हो अगर चाय पीने का समय आए मत पियो क्या होता है, आप लोग बताओ जो पीते हैं, मैं नहीं बताऊंगा आप बताओ क्या होता है, क्या होता है बोले बताओ, सर दर्द करता है ना, सर दुखना शुरू हो जाता है, क्यों, उसमें निकोटीन कैफीन ये पैगन जहर है, जहर है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, एक कप सवेरे चाय पी लो ना दोपहर तक चिंता नहीं, बताओ इतनी चाय से कहीं पेट भरती है, हमने चाय नहीं पी जहर हमने पी, जहर पी करके जो भूख थी ना उसको खत्म कर दी, भूख लगे रोटी खाओ सब्जी खाओ दूध खाओ, हैं फिर कुछ दिन बाद में बोले देखो चाय पियोगे तो एक तुमको हमें एक रुपया देना पड़ेगा, हमारा आदत बनेगा बोले एक रुपया दो, कुछ दिन बाद बोले दो रुपया देना पड़ेगा बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद बोले तीन रुपया देना पड़ेगा बोले लो, कुछ दिन बाद बोले पांच रुपया देना पड़ेगा बोले लो, अभी कितना पैसा हो गया 10 रुपया हो गया। ठग करके हम इतनी सी चाय देकर ठग करके ये अंग्रेजी लोगों ने विदेशी लोगों को बेवकूफ बनाया, हम बेवकूफ बन गए और इतनी सी चाय बेच करके वो पैसा वाला हो गए और हम 10 रुपया पता नहीं कितना चाय पी गए। आप देखना 10 रुपया में इतना दूध मिलेगा, एक कप दूध मिलेगा आपको, भैया पियो तो दूध पियो ना जिसमें हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है ना। इसलिए कोशिश करो रामदेव बाबा का हर्बल टी है जो अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज को पियो जो शरीर के लिए हेल्थ करे, ठीक है ना। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो तीसरा जो कली का स्थान है बोले स्त्रियों, बोले स्त्रियों में कली का निवास, बोले भैया कौन सा स्त्रियों में कली का निवास है, उन्होंने स्त्रियों में कली का निवास है, बोले अपना घर गृहस्थी करो शादी शुदा करके, अपना पति पत्नी मिल करके अपना घर गृहस्थी को बनाओ, बगैर शादी के अवैध रूप में जो लड़का लड़की लड़की लड़कों से मिलते हैं वहां पर तीसरा नंबर कली का स्थान है, वहां पवित्रता नष्ट हो जाती है। चौथा जो स्थान है तीर्थ हिंसा,
जीव हिंसा में जैसे मांस है, मछली है, अंडा है, प्याज लहसुन, तब इसमें कली का निवास। कहते कलयुग में केवल ये चार नियमों का पालन कर लो और थोड़ी सी ठाकुर का नाम जप कर लो। हम भगवान का नाम करते करते सीधा भगवान को पास में चले जाएंगे। एक बार हाथ उठाकर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार सबके साथ बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग में एक दवा है, इसलिए ठाकुर का नाम लेने सब संसार से पार हो जाएंगे। देखो कल हम लोगों ने एक माला जप की थी, आज भी एक माला जप करेंगे और माला जप करके फिर आप प्रसाद लेकर जाएंगे, ठीक है ना? क्योंकि भगवान का नाम भी अंतिम समय में यही साधने जाने वाले। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, कोई कोई कहते हैं भगवान का नाम क्यों जप करेंगे? इसलिए करेंगे कि भगवान का नाम जप करने से क्या होगा। देखो एक संत तो बहुत अच्छे उदाहरण के समझाए, मैंने जितना कथा सुना रहा हूँ आप लोग याद रख रहे कि नहीं? कौन कौन याद रख रहे हैं? हम चाहते हैं ये सारी कथा को याद करो, अपना परिवार में बच्चों को सुनाओ, पति को सुनाओ, परिवार को सुनाओ, जिसको सुनाओगे ना उनका भी उद्धार होगा, उनका भी कल्याण होगा। हाँ देखो भगवान का नाम में कितने शक्ति है। भागवत में बताया कि जो ठाकुर का नाम है, बोले नाम चिंता मणि। ठाकुर जी का नाम को उन्होंने चिंता मणि का साथ उदाहरण दिया। आप लोगों ने चिंता मणि नाम सुने हो? नाम सुने कि नहीं? चिंता मणि, चिंता मणि मतलब होता है जो मांगो तुम्हें वही मिलेगा, जो मांगो तुम्हें यही मिलेगा। देखो ध्यान से सुनो, जैसे एक व्यक्ति रास्ता में चल रहा था, हाथ में एक थाली थी, चलते चलते आपने देखा 100 रुपया के गड्ढे के गड्ढी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, लेकिन आपको हाथ में एक खाली थाली है, बताओ आप लोग क्या करोगे? आप लोगों से मैं प्रश्न करता हूँ, आप क्या करोगे? आपके हाथ में एक थाली है, 100 रुपया गड्ढी के गड्ढी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं मेन रोड में, आप उसको क्या करोगे? उसको भरोगे? क्यों? आप चोरी नहीं कर रहे हो, उसका कोई मालिक नहीं, भरोगे। लेकिन जब और थोड़ी दूर गए ना, 500 रुपया गड्ढी के गड्ढी पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, लेकिन आपका थली पूरा भर गया है, फिर क्या करोगे? बोलो जोर से, बोलो कोई बोल नहीं, उसका निकाल दो, फेंक दो, माता जी बड़े चालाक है। 100 रुपया गड्ढी की गड्ढी फेंक देंगे और क्या करें? 5 रुपया जो 5 रुपया मिल रहे फिर लेगा। देखो इसमें बहुत अच्छी चीज समझा रहे हैं। और थोड़ी दूर गए, देखा 2000 रुपया गड्ढी की गड्ढी पड़ा हुआ इसका कोई मालिक नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर 5 रुपया को भी निकाल देंगे, फिर उसमें 2000 रुपया की गड्ढी की गड्ढी भरेंगे। लेकिन जब आपने और थोड़ी दूर गए, देखा रास्ता में हीरे जवाहरात पड़ा हुआ जिसका कोई मालिक नहीं, हीरे जवाहरात बिखरा हुआ, फिर क्या करोगे? 2000 भी फेंको, फिर हीरे जवाहरात इतना ले लिया तो माला ही माल हो जाएगा, फिर हीरे जवाहरात को भरोगे। लेकिन और थोड़ी दूर गए ना, उससे भी कीमती चीज है जिसका नाम कहते हैं पारस पत्थर। आप लोग सुने होंगे जो लोहे को स्पर्श कराओ लोहे भी सोने बन जाते हैं। थोड़ी दूर गए आपको पारस पत्थर मिला, फिर क्या करोगे? उसको भी फेंकेंगे, क्यों? लोहे और कितना पैसा का, लाओ टच करो सोना बनती जाएगी, फिर पारस पत्थर लेंगे। लेकिन और थोड़ी दूर गई ना, उससे भी कीमती चीज है, ये भागवत में कथा दी है, जिसका नाम स्यमंतक मणि। ये स्यमंतक मणि जो 17 जिन जिनका बेटा, जिसकी बेटी सत्यभामा थी, ये 17 जिन को साथ में सूर्य देवता की मित्रता थी। जब 17 जिन ने सूर्य देवता को उपासना की, सूर्य देवता प्रसन्न होकर के उनको वो स्यमंतक मणि दी थी। वो स्यमंतक मणि की विशेषता है अष्टभार सुवर्ण, सोने की चट्टान जिससे निकलती रहती है, इतने 1000 किलो अपने आप सोने निकलती रहती है। ये भागवत में 10वें स्कंध में आती है, हम आगे सुनेंगे। ये जहां गया ना अनर्थ, क्यों? इतना सोना, जहां गया सोना ही सोना रोज देता है। अगर स्यमंतक मणि मिला फिर क्या करोगे? ये पारस पत्थर भी फेंके, क्यों? लोहे को लाओ टच कराओ सोना बनेगी, इसमें तो सोना अपने आप निकल गए।
अरे श्यामांत कमल, लेकिन आगे गए ना, स्थिति कितनी चीज है, ये भागवत की बात कहता है। बोले वो क्या है जिसका नाम चिंतामणि। बोले भैया चिंतामणि मतलब क्या, जैसे श्यामांत कमल केवल आपको सुनाई दे और कुछ नहीं दे। आप बोलोगे आज बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया कोई खाना पिज्जा पास्ता है, कोई सुंदर सब्जी नहीं तो कोई है, कोई राजमा चावल, कोई राबड़ी मलाई रसमलाई आज वो नहीं देगा, वो केवल सुनाई देगा और कुछ नहीं दे सकता है। लेकिन जो चिंतामणि है ना, चिंतामणि मतलब है जो चिंता करो जो मांगो तुम्हें वही चीज मिलेगी, इसलिए उस पर नाम कहते चिंतामणि। बोले भैया चिंतामणि क्या, भागवत कहता है नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् मोहनामणि। भगवान का जो नाम है ना ये चिंतामणि, जो मांगो उसको वही देगा। इसलिए हनुमान जी का नाम सुने हो, कौन कौन हनुमान जी का नाम सुने, सब जानते हो। गोस्वामी जी कहते हैं बोले भैया जगत में हनुमान की इतना पूजा क्यों हो रही है। बोले सो मेरी पवन सूत पावन नामो आपन सकरे राखे रामो। भगवान नाम इनकी वशीभूत कैसे हो गए। बोले सुमिरी पवन सुत पावन नामो, केवल भगवान की पवित्र नाम को ले लेकर के हनुमान जी राम को वशीभूत कर दिया। अब हनुमान जी को पास में रिद्धि सिद्धि वैभव जो मांगो, हनुमान जी सब कुछ देते, कहां से लाते हैं, कोई कमाई करते कैसे रहे, केवल राम नाम के बल पर। आप लोगों ने शंकर जी के नाम सुने हो, कौन शंकर जी के नाम जानते हो, सब जानते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जगत में शंकर जी इतने पूजा क्यों हो रही है। बोले कारण क्या, शंकर जी इतने पूजा, शंकर जी क्या हो गया, कोई भड़क है, माताएं बड़े डरपोक होती है, बैठ बैठ जा। इसलिए जो शंकर जी तो जगत में इतने पूजा क्यों हो रही है, देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं। बोले महामंत्र जय जप महेशा काशी मुक दीन तो उपदेशा। बोले शंकर जी कत पंचमुख राम नाम दान त्रिपुरा जी, शंकर जी दिन रात पंचमुख में भगवान के नाम को जप करते हैं। शंकर जी नाम की प्रभाव से रिद्धि सिद्धि वैभव सब कुछ नाम के प्रभाव से दुनिया को देते हैं। आप लोगों ने माता देवी का नाम सुने हो, कौन कौन नाम माता देवी का नाम सुने हो। गोस्वामी जी कहते हैं बोले भैया माता देवी की इतना पूजा क्यों हो रही है। एक दिन शंकर जी को माता देवी प्रश्न करती हैं, बोले प्रभु किसकी नाम लेनी चाहिए। शंकर जी कहते हैं बोले राम राम तिरमेति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुर्यम श्री राम नाम वरानने। बोले हे पार्वती जो प्रभु राम का जो नाम है बड़ा मीठा नाम है, राम नाम जो मेरा मन रम जाए है, तब से माता पार्वती बोले सहस्र नाम सुनी प्रिय वाणी जपी जई प्रिय संग भवानी। गोस्वामी जी कहते हैं अब माता जी के आठ हाथ में एक हाथ में देखना माला है, ब्रह्मा जी के चार हाथ में एक हाथ में माला देखोगे, सरस्वती के चार हाथ में एक माला देखोगे, ये सबके सब माला जप करती हैं। इसलिए कहते हैं ना राम नाम की माला जपेगा कोई दीवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दीवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दीवाला, माला जपी भी भौरा माने, माला जपी भी भौरा माने, कृष्ण का नाम की माला जपेगा कोई दीवाना।
जपेगा कोई दीवा माला जपी थी यशोदा माई माला जपी थी यशोदा माई दिल वाला मतलब क्या? देखो ध्यान देकर सुनो, दिल वाला मतलब है अगर कोई माला जप करना गले में कंठी तिलक लगाए, बोले ये कोई साधु बन गए हो, बोले अभी से क्या साधु बन गए कि माला जप कर रहे, बोले भैया साधु नहीं बनकर चोर बनेंगे, साधु नहीं बनेंगे हम चोर बनेंगे, भगवान की तो नाम जप कर रहे हैं ना, किसी किसी को शर्म लगता है, बोले भैया प्रभु का नाम कैसे जप करे, दुनिया क्या बोलेगा, दुनिया हमें क्या बोलेगा, हम प्रभु का माला जप करके गले में कंठी तिलक लगाए दुनिया में क्या बोलेगा, शर्म लगता, बोले भैया राम नाम की माला जप का कोई दिल वाला, वो दिल वाले ही जप कर सकते हैं, जिसका कमजोर दिल है ना वो नहीं कर सकते हैं, जिसका दिल वाले वही प्रभु का नाम को जप कर सकते हैं, इसलिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो ठाकुर जी के नाम के प्रभाव से दुनिया चल रहे हैं, इसलिए देखना लास्ट में भले ही जिंदगी में जो कुछ करो करो, लेकिन जब अंतिम समय आता है, जब शरीर छूटेगी, चार व्यक्ति जब कब्जे कर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलो, कोई बोलते तेरा बेटा सचा ना, बीवी सचा ना, दुकान सचा ना, मकान सचा, बोले सब कोई बात झूठा है, एक सुई धागा भी यहाँ से नहीं जा रही है, पत्नी जाएगा तो रो रो कर मदद कर जाएगी आगे नहीं चलेगी, पत्नी जाएगा तो परिवार जाएगी तो शमशान तक उसको आगे नहीं चलेगा, कोई आगे क्या चलेगा, अरे पायो जी मैंने राम रतन पायो, जितने प्रभु का नाम जप करे वही धन जाएगी, सारे धन ही रह जाएगा, ठीक है ना, इसलिए धनी बनो तो प्रभु का नाम धन में धनी बनो, लेकिन अभी का दुनिया क्या सोचता है, हम तो बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बने, हमारा जो बहुत बड़ा जो इच्छा है ना, हम बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनेंगे, सबको बड़ी बड़ी इच्छा है, बोले भैया कितनी हीरो हीरोइन गए है, जो हीरो हीरोइन थे अब 10-20 साल पहले, कौन हीरो हीरोइन थे इसका नाम याद करते हैं, दो दिन के लिए इसका नाम हो जाता ना, बड़े नाम हो जाता उसके बाद में खत्म, लेकिन हनुमान जी को देखो कैसे हीरो बने, कहां त्रेता युग में ध्रुव प्रहलाद, कहां सत्य युग में करोड़ साल पहले आए, अभी भी दुनिया में घर घर में उनकी पूजा हो रही है, भैया हीरो बनना है ना भगवान की नाम लेकर भक्त बनकर हीरो बन जाओ, जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक हमारी नाम होती रहेगी, नाम विसर्जन भी मिटेगी नहीं, ठीक है ना, ये माला दे देता हूँ, ये माला लेकर दो तीन व्यक्ति खड़े हो जाओ, माला लेकर खड़े हो जाओ, तो हाँ एक माला जप करके फिर प्रसाद लेकर जाओ, हाँ जिन लोगों के पास में माला है ना उनको मत दो, इसके पास में नहीं, अरे माला कोई लेना नहीं वापस दे दो, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, हरे कृष्ण, देखो एक अनाउंसमेंट में भूल गया बोलना, कल भगवान कन्हैया जन्म लेने वाले, कल कृष्ण जन्म लेने वाले, हरे कृष्ण कल भगवान कन्हैया जन्म लेगा, इसलिए जब मैया यशोदा गर्भ धारण की जितने ब्रजवासी 6-6 महीना पहले 84 गज के लहंगा बनाकर रखे, चुंदरी बनाकर रखे, हम उसको पहन करके बधाई देने जाएंगे, इसलिए कल जितने माताएं सबके सब गोपी भाव से आना, क्योंकि भगवान ठाकुर केवल प्रेम की भूखे हैं, और कौन सा रंग का साड़ी पहनोगे, पीला रंग की, कौन सा रंग की, अरे बोलो कौन सा रंग की साड़ी पहन के रखे, पीला रंग की साड़ी पहन करके आना सबके सब, ठीक है ना, और कल बड़े धूमधाम से हम नंद के आनंद भयो जय कन्हैया कोई बोल भी नहीं, जय कन्हैया, कल बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे, अगर हो सके तो देखो जो कथा है ना आप लोग सब मिलकर कर रहे हो, सब आप लोगों की कथा है,
जैसे का बच्चे का बर्थडे में आप लोग इतना कुछ किया क्या करते हो, इसलिए कल भी भगवान जन्म लेके हो सके तो टब भी थोड़ा ले आना, जैसे लुटाते है ना खिलौना ले आना, इसलिए कल हम लोग इसको हम कल ये खिलौना और इसको सब आप लोग को लुटाएंगे और बड़े धूमधाम से भगवान की जन्मोत्सव मनाएंगे, ठीक है। हाँ, सब लोग मेरे साथ में जप करो, देखो माला कैसे जप करो, देख लो ये सुमेर देखो कहाँ से जप करो, यहाँ से देखो इसको ऊपर में ऊपर से जप करना, ये बीच से नहीं, देख लो ये बीच से जप नहीं करना, एक साइड जैसे बीच में ये है ना सुमेर, ये बीच में ये राधा कृष्ण का स्वरूप है, इसलिए और ये अंगुल को टच नहीं कराना, ये गंदा अंगुल है, सबसे पहले ये निकलता है, हम तुमको देख लेंगे, इसलिए ये अंगुल को हम बाहर निकाल कर रखते हैं और इसको ये बीच वाले अंगुल में रखते हैं। देखो इस सुमेरी को इधर इस तरफ में रहेगा, बीच वाले अंगुल को इस तरफ में, और जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे बोल करके इसमें एक मुद्र सरकेगा, अरे दो बार बोल कर दो बार, तीन बार चार बार चार बार, ठीक है। अब जब यहाँ समाप्त हो जाए इसको ऊपर में पार नहीं करना, ऐसे घुमा देना, इसको ऐसे घुमा देना, सबके सब आंख बंद कर लो, सब जो हम वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के चरण में बैठे, यहाँ तो बांके बिहारी नहीं है, ठाकुर जी सबके सब यहाँ पर है, सब जो ठाकुर जी के चरण में बैठे हुए आंख बंद करते हुए हरे कृष्ण, हरे मतलब हे राधा रानी, कृष्ण मतलब कृष्ण हे राधे, हे कृष्ण हम आपकी संतान है, लेकिन आपको भूलने का वजह से संसार में ये 84 लाख जन्म में भटक रहे हैं, आप पुनः हमें कृपा करके अपना चरण की भक्ति और चरण में हमें अपना सेवा दे, इसी भाव से सबके सब हरिनाम करना। वैसे तो हरिनाम चिंतामणि, चिंतामणि मतलब जो मांगोगे वही दे देगा, जो मांगोगे संसार का हर चीज वही दे देता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये ठाकुर जी की भक्ति और प्रेम, ठीक है। मेरे साथ में सबके सब जप करो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मत सर गिरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पूरी हो गई ना पूरी हो गई नहीं पूरी हो गई ना पूरी हो गई कि नहीं माला हाँ सब के सब माला वापस दे दो ठीक है कोई लेना नहीं पाप लग गया अरे बाद में आप लोगों को मैं माला दूंगा सब खड़े होकर के माला को इकट्ठे कर लो कबीर प्रभु आज प्रसाद कर दिया किसी प्रसाद हरे कृष्णा आप सभी के लिए आज जो प्रसाद की व्यवस्था की है श्री भीष्म प्रभु जी ने किया है आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ हाँ ठाकुर जी इनको आशीर्वाद दे तू घर में फलते फूलते हो रहे क्योंकि भगवान की कथा में भागवत में एक अन्न का दाना कोई दे देता है ना ठाकुर जी खुद कहते हैं घर में कभी अन्न वस्त्र की अभाव नहीं पड़ेगा घर में माँ लक्ष्मी भरपूर देंगे इन्हें भीष्म प्रभु जी कहाँ है यहाँ पर है इधर आ जाओ कहाँ है प्रभु जी कहाँ तो बुला दो रवि कहाँ है वो अभी आए नहीं यहाँ पर हाँ आप लोग सबके सब खड़े हो जाइए सबके सब खड़े हो जाओ अभी प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे सबके सब नृत्य करना है भजन में सब सब खड़े हो जाओ हाँ सबके सब आगे आ जाओ हरि बोल नहीं रे माइक वाले ओ माइक वाले भैया कहाँ हैं कहाँ गए
गुरुविंद्र विहार